शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। हे प्रभु, आपने हमारी बेटी की शादी तय करवा दी। ये और बात है कि दूल्हा भी घर का ही है, फिर भी दहेज में ना तो हेलीकॉप्टर और ना ही प्लेन की डिमांड है। आप भी सादर निमंत्रित हैं, आकर हमारी बिटिया को आशीर्वाद जरूर दीजिएगा। जय श्री राम, जय श्री राम। ये अक्षता अभी तक यहाँ पड़ा है। भाभी जी, ये अक्षता जाकर पंडित जी को दे दीजिए। और सुनिए, ये कलश क्या यहीं छोड़ देंगी? ये भी ले जाइए। मिश्रा जी कहाँ है? अरे नमस्ते 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 मिश्रा जी, नमस्ते नमस्ते। अरे भाई, नाश्ता वाश्ता किए क्यों? इधर खाना नहीं खिला रहे क्या? अरे नहीं, जरूर खिलाएंगे, मगर थोड़ा वक्त लगेगा। कोई बात नहीं मिश्रा जी, घंटा आधा घंटा क्या, मैं तो पूरी रात बैठ सकता हूँ। हाँ, पता नहीं कौन है यार, इसके जैसे इंसान को तो मंडप की बजाय रसोई घर में कुर्सी डाल के बिठा देना चाहिए। अरे भैया जी, जी पंडित जी, विवाह का शुभ मुहूर्त निकला जा रहा है, दूल्हा किधर है? जिधर भी हो जल्दी लाइए। मैं बुला कर लाता हूँ। हाँ जल्दी कीजिए। ओम रक्षो हरो अरे क्या है भैया, किसने बांधा इसे? मुझे कोई बताओ तो सही। अरे बताता नहीं कोई। अरे इस बांधने वाले को छोड़िए, मंगलसूत्र बांधने वाला किधर है? किधर है, किधर है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ, किधर है? मैं देख कर आता हूँ। सर्व मंगल मांगल बैंगन जो है उसे ऐसे बनाना चाहिए, काजू बैंगन ऐसे बनाना। देख भाई, बैंगन जो होता है ना वो औरत जैसा होता है, अगर सही बनाया तो बीवी से मोहब्बत करने जैसा होता है क्या, और अगर गलत बनाया तो रिश्ते में कड़वाहट आ जाती है, समझा? सर जी। हाँ अच्छा, तू भी बनाएगा? चले पकड़। सर जी, आज आपने मुझे कितनी बड़ी बात समझा दी। अरे वही तो मेरी कमजोरी है, शादी के दिन भी खाना बनाना तेरी कमजोरी है क्या? अरे यार, खाना बनाना मेरा पेशा है, अब इसे मैं खुद बनाऊं तो इसमें एक और ही नशा है, और वैसे भी मुझ जैसे ग्रेट कुक की शादी में लोग ग्रेट एक्सपेक्टेशंस के साथ ही आएंगे ना। खाना तो तू जिंदगी भर बना सकता है, पर अगर शादी का मुहूर्त बीत गया तो तू बर्बाद हो जाएगा। चल अभी मंडप में बैठ। हाँ बैठता हूँ बैठता हूँ, पर तेरी आंखों में मिर्ची जरा ज्यादा लग रही है, थोड़ा कम कर मेरे भाई। अच्छा ठीक है, चल अब चल। ओम स्वाहा। अब दुल्हन को बुलाइए। विवेक, गौरी दिखाई नहीं दे रही, चश्मा लगाकर देख। दीदी ये लो। ये क्या? पढ़ो। लड़कियां प्रेम पत्र लिखती हैं, बड़े लोग निमंत्रण पत्र लिखते हैं, मगर शादी के मंडप से भागी हुई दुल्हन के लिखे खत को क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। जिन लोगों के घर बेटियां पैदा होती हैं उनके लिए बेटी की शादी एक ऐसी जिम्मेदारी है जिनसे वो भाग नहीं सकते, मगर लड़की के लिए शादी एक सुंदर सपना है जो वो अपने मनपसंद साथी के साथ सच होने का ख्वाब देखती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी कलेक्टर या करोड़पति से शादी करूं। रही बात तुम्हारी, मैंने तुम्हें कभी भी उस नज़र से नहीं देखा है, इसलिए मैं इस शादी के लिए ना कहकर जा रही हूँ। ये गलत है तो मुझे माफ़ कर देना, और क्षमा कर सको तो आशीर्वाद देना। गौरी। बस अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। बाबूजी जरा शांत हो जाइए। शांत हो जाइए? उसने मेरी इज्जत मिट्टी में मिला दी। बाबूजी, इसमें इज्जत मिट्टी में मिलाने वाली कौन सी बात है? जिससे प्यार करती है उसे शादी करने गई है?
हमें तो खुश होना चाहिए। अरे चमन, सुना विवेक की होने वाली बीवी मंडप से भाग गई? तुझे बता के भागी क्या? अरे जो सुना वो बोल रहा हूँ। अबे तुझे क्या? अच्छा जाने दे। अच्छा क्यों भागी होगी, मतलब किस लिए भागी होगी? इनसे पूछ। अरे पार्टनर पे जगह नहीं होगी इसलिए भाग गई होगी। अच्छा मुझे तो लगा पंडित जी पसंद नहीं आए। अरे भैया तू तो ऐसे ऊपर नीचे हो रहा है जैसे तुम्हारे खुद की भाजी भागी थी। एक सिगरेट दे। विवेक भैया, जो कुछ भी हुआ बहुत बुरा हुआ। अरे तकलीफ इंसान को ही तो आती है, कोई पेड़ पौधों को थोड़ी आती है। दिल को पत्थर का बनाना और हिम्मत से खड़े रहना। अरे तू चुप कर विवेक, तुम्हारा दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा। मुझे भी तुझे देखकर बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये ले पकड़ 10 रुपए, चूहे मारने वाली दवा खरीद और किसी बिल में घुसकर मर जा, ये ले। अच्छा बीबी भागी तुम्हारी और जहर खाकर मैं मर जाऊं वो भी बिल में जाकर? अरे वही तो मैं पूछ रहा हूँ, मेरी होने वाली बीवी को मैं पसंद नहीं आया इसलिए भाग गई, उसके लिए मैं क्यों दुखी हूँ? दुखी नहीं हो तो क्या हो भैया? अब देखो भैया, लालू जी को कुल्लड़ में पीना पसंद है, आपको सॉसर में और इसको स्टील में। अब सबकी पसंद एक जैसी हो ये जरूरी तो नहीं ना? नहीं, नहीं, नहीं। वैसे ही उसे मैं पसंद नहीं। अरे चार लोगों को चार अलग अलग भगवान पसंद आते हैं, फिर मैं तो मामूली इंसान हूँ, हर किसी को पसंद आऊ ये कोई रूल तो नहीं ना? अब बोल भाई, उस लड़की को दुखी होना चाहिए मुझे? उस लड़की को समझा ना, चल अपना काम कर। ए चाय पिला इसको। चल चाय पिला भाई, इसका लॉजिक और मैजिक दोनों दिमाग से बाहर है। चल चाय पिला, चल चाय पिला। अब रो क्यों रही हो? सब कुछ तो बच गया, शादी का खर्चा बच गया, ब्राह्मण की दक्षिणा बच गई, गई तो सिर्फ इज्जत है। बाबूजी। बेटा बेटा हमें माफ कर दे, माफ कर दे हमें। बाबूजी, आपने मुझे अपने बेटे की तरह पाल पोस कर बड़ा किया, शायद भगवान मुझे आपका बेटा ही बनाए रखना चाहता है, दामाद नहीं। और मुझे उससे कोई हर्ज नहीं। सुधा, सुना तुमने, ये मेरा बेटा है, मेरा बेटा है ये। मैं कहता हूँ माँ, जाने दो ना उसे। मुंबई जाकर वो क्या करेगा? तो यहाँ पे कौन सा तेल का कुआं खोदेगा, यहाँ पर रहेगा तो बावर्ची कहलाएगा, वहां पर स्टार होटल में शेफ, अच्छा शहर अच्छी शोहरत, आपने उसे पढ़ा लिखा कर घर पे बिठा रखा है। मैं कहता हूँ माँ जाने दो ना उसे। मैं ले जा रहा हूँ माँ उसे। तो जा रहा है तू? हाँ, क्योंकि मुझसे आप लोगों को इस तरह देखा नहीं जाता। नाकामियों को तू
कर मायूसियों को परेशान कर हिम्मत का अपनी ही ले इम्तिहान कुछ पल अंधेरा हो बिल्कुल न डर हो रोशन ये चेहरा बस खिला खिला सा यारा तू हर हाँ में गाते जाना हो ए दोस्त हंस के तू मिल हमारा घर है कैसा लगा अच्छा है खरीदा या किराए पे खरीदा हुआ तो अमेरिका में है यहाँ पे तो रेंट पे रह रहा हूँ ये कलर तूने करा है तुझे कैसे पता हाँ यार टेस्ट बदल रहे थे सुपर हिट है यार और कितने कितने टेस्ट बदले ये कौन है डीएलटी डीएलटी दुनिया लाल त्रिपाठी ए चप्पल पहना या बूट कपड़े पहने ना चाचा अरे इधर कान खुजरा घूम रहा है नंगे पाँव घूमेगा तो काट लेगा समझा अरे चाचा कान खुजरा तो है तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो चाचा प्यार से नहीं चाचा बुलाते हैं अरे प्यार से नहीं दुत्कार का चाचा बुलाते हैं साले न इनके बाप का भाई हूँ न इनके चाची का खसम अपने साथ घुमाने में शर्म आती है इसलिए चाचा बोल के अपने से दूर रखते और मैं नाम सुन के कोई मुझे काम भी नहीं देता इसलिए इनका धोखे लिए घास फूस बनाता रहता हूँ और ये चाचा की वर्दी खबरदार जो वर्दी का खाना बनाता हूँ खान सामान नहीं हुआ चाचा तुम इतना नाराज क्यों हो रहे हो एक चाय पिला दो ना कड़क प्यार से बोला है एकदम प्यार से हाँ लाता हूँ ये पकड़ अरे मेरे भाई कैसा है तू अच्छा तेरे पास 100 का छुट्टा है क्या मेरे पास 100 का नोट भी है अबे नोट होता तो पनवाड़ी से नहीं ले लेता तुझसे क्यों मांगता तो छुट्टा भी उसी से ले ले अच्छा ये कौन है ये विवेक हाय अच्छा विवेक आपकी तो शादी होने वाली थी ना क्या हुआ भाभी को नहीं लाए अरे यार भाभी बनने से पहले ही भाग गई मैं बावर्ची हूँ ना इसलिए मतलब आप खाना बनाते हैं अरे यार खाने में शर्म नहीं तो पकाने में क्यों हाँ ऑफकोर्स ऑफकोर्स सही बात है अभी कभी घर पे बुलाना कभी भी आप तीन लोग ही रहते हैं यहाँ पर हाँ जी तुमको मिला के हम पांच रहता है शौर आप सरकार तुम हाय विवेक विवेक क्या बोला छो दादा मतलब आप कैसे हो ठीक हो ये ले चाय पकड़ ये घर में कम लड़कियों के कॉलेज के आसपास में ज्यादा मंडराते हैं चाचा इस उम्र में लड़की के बारे में सोचना तुम्हें शोभा नहीं देती क्या शोभा नहीं देती ना शोभा नहीं देती अरे शोभा क्या नहीं देती वो मुझे नहीं मालूम लेकिन लड़कियों के बारे में बात मेरी उम्र में करना ठीक होता है समझा देखो चाचा भालो चला किंतु तुम मेरे मजाक उड़ा रहे हो देखो तुमने हिंदी का मजाक उड़ाया मैं तेरा मजाक क्यों ना उड़ाऊं अरे अम्मी तो ये लंडा वंडा बंद करो यार अब से ये हमारे साथ रहेगा क्या बात और रोज खाना बनाएगा खूब भालो मतलब बहुत अच्छा पूजा जाकर नहा ले और तुम यहाँ दुकान छोड़ के टाइम पास कर रहे हो चलो निकलो यहाँ से वाह दादा वाह खुद चाय पी रहे हो और मुझे बोल रहे हो टाइम पास कर रहे हो वाह दादा वाह और सुन यार अब तू ये गांव की धूल झटक दे यार तू शहर में आ गया जैसा देश वैसा भेष अब जा जाकर नहा ले भाई प्याज काटने से आंसू और गांव से आने पे मुश्किलें तो आती ही हैं क्या बात बोली चाचा अरे विवेक जल्दी कर यार हाँ हाँ आ रहा हूँ 2 मिनट अरे नौकरी लगने के बाद देर से चले जाना यार अगर इंटरव्यू में लेट हुआ तो समझ गया ना चल जल्दी चल स्वामी क्या भी ये हमारा बुक शॉप कैसा लगा अच्छा है अच्छा। अरे यार लेकिन यहाँ पर 5-स्टार होटल में किताबें कौन पढ़ता है तू बस एक कॉफी ऑर्डर करके तो देख हाँ। लोग पढ़ाई तो क्या पूरी किताब लिख डालते हैं कॉफी आने तक अच्छा हाँ। सरिता है क्या अरे भाई यहाँ पर लड़कियाँ क्यों होंगी तू रुक तू सरिता दे हाँ। तू अगर थोड़ी देर और यहाँ रुक गया ना हाँ। तो किताब नहीं पूरी दुकान बिकवा डालेगा अरे मैंने क्या किया यार और देख अंदर इंटरव्यू में अड़ियल जैसी बातें मत करना अजीब आदमी है यार हाय अमर अरे हाय प्रिया क्या हाल चाल है बहुत अच्छी प्रिया ये है मेरा दोस्त विवेक विवेक ये है प्रिया इनकी वजह से तुम्हें इंटरव्यू पे बुलाया गया हो ये आपका होटल है नहीं मेरे बाप का है एनीवेज ऑल द बेस्ट बाय 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 अरे यार अपने बाप को बाप बोलती है तुम क्या बोलते हो बाप कहाँ जाने उधर चकरा के हाँ तुम रोक दी बहुत अच्छा हो तुम क्यों रोक गए बैठो थैंक यू सर सर ये मेरे सर्टिफिकेट हाँ हाँ क्यों नहीं ये तो देखने पड़ते हैं इनके बिना गुजारा नहीं होता जी BSc ओए होम साइंस यार एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि आजकल के जो नौजवान हैं है तरक्की करना चाहते कोई डॉक्टर बनना चाहता है कोई वकील बनना चाहता है और तुम तो इतने सुंदर इतने अच्छे डोले हैं तुम तो बहुत अच्छे सिंगर बन सकते हो ये तुम बावर्ची क्यों बनना चाहते हो उसका एक ही कारण है सर क्या डॉक्टर और इंजीनियर तो रिटायर होते हैं मगर खाना खाने वाले और पकाने वाले कभी रिटायर नहीं होते ओए होए एक्सीलेंट बहुत अच्छे हाँ पर ये हाथ मिलाया है नौकरी पकाना समय लेना है कोई बात नहीं सर नहीं नहीं होता है ना दिमाग में चढ़ जाता है ऐसे अच्छा ये बताओ कि दुनिया का सबसे बड़ा कुक कौन है माँ सर
नहीं वो तो कुकी होती है ना। अरे सर आप भी ना। देखो मैं कंफ्यूज करूंगा क्योंकि नौकरी बहुत महंगी है और मैंने परीक्षा लेनी है, रिश्वत तो कोई देता नहीं। अच्छा तुमने माँ कहा है ना, माँ ही क्यों? वो इसलिए कि दुनिया का हर इंसान अपना पहला निवाला अपनी माँ के हाथ से खाता है। हाँ। फिर उसके बाद वो चाहे जितना स्वादिष्ट खाना खाए पर उसकी माँ के हाथ का बना हुआ खाना उसके लिए हमेशा सबसे ज्यादा स्वादिष्ट रहता है। ओए होए, इसीलिए तो किसी ने खूब कहा है हाँ। कि मेरा माँ दे हथां दियां पक्कियां रोटियां खानू बड़ाई दिल कर दे। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात है। सर ये प्रिया की रिकमेंडेशन से आए हैं। अच्छा तो जो पहले आया था वो फादर की रिकमेंडेशन से आया था। ओए यही पंगा होता है मालकों का, स्यापा ही यार, क्या नुक्स निकालूं। चलो कोई बात नहीं, हम सवाल ही ऐसा पूछेंगे। अच्छा ये बताओ कि अगर इस होटल में 200 बंदों का खाना बनाना पड़े तो तुम कितने बंदों का बनाओगे? अब सर अगर स्वादिष्ट खाना बनाना हो तो 200 बंदों का बनाऊंगा हाँ। और अगर जैसे आपके होटल में बनता वैसे बनाना हो तो 50 बंदों के लिए काफी है ना सर। अच्छा तुम मतलब खाना बनाने के साथ साथ बातें भी बड़ी बनाते हो हैं? अब सर 5-star होटल में बिल के साथ टैक्स भी तो एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है ना सर। ओए मैं तेरे थप्पड़ मार रहा हूं, ओए तू मेरे सामने मेरी नकल करता है, चलो उठ यहां से। सर मेरे सर्टिफिकेट्स। हां तो ले जा, मैंने इसका चार डाला है, चल। बेइज्जती करता है मेरी, बदतमीज इंसान, फिर कहते नौकरियां नहीं मिलती। एक्सक्यूज मी सर, आपका चेहरा मुझे कद्दू की याद दिलाता है। कद्दू की? जी सच्ची? जी थैंक यू जी, ये तो आपकी कदर है जी, कदरदानी है। पर क्यों मतलब? वो इसलिए कि वो भी आप जैसा नजर उतारने के अलावा और किसी काम का नहीं होता। ओए फिर बेइज्जती, आज से गेट आउट, दबाया यहां से, चल चलता हट, दबाया यहां से। दरफटे मुंह तेरा है, ऐसे इंसान को नौकरी कैसे मिलेगी? कद्दू बोल रहा है मेरे को। चूली मुझे ना तुम्हारे सिवा कोई नहीं समझता, तुम बताओ कि मैं कद्दू जैसा हूं? अरे सर आप तो ऐसे ही नाराज हो जाते हैं। वैसे ठीक ही तो कह रहा था। ओ तू भी बेवफा सनम, निकल बाहर यहां से। मैं समझ गया, कर दिया ना मेरी बदनसीबी का दौर शुरू। अच्छी है यार। अच्छी है ना? क्या हुआ, सक्सेस? सर्कस। फिर ये बेकार किया ऐसे क्यों? अरे यार सक्सेस में तो कोई भी बेवकूफ हंसता है मगर फेलियर में हंसने वाला ही हीरो होता है। क्या मालूम है? राइट राइट। कौन है ये मैन? मेरा दोस्त है मैन, विवेक। हाउ डू यू डू मैन? द वे यू डू मैन। क्यों, आपने कोई नया तरीका खोज लिया क्या? अरे नाइस कैप। हैट है वो, हैट। कितने में दिया? खरीदना है क्या? नहीं उछालना है। हे भगवान। ए चलना। अरे रुकना, अरे यार पहले ट्राई करेंगे। अच्छा है। हाँ 1200 रुपया। अच्छा नहीं। अरे अभी तो तुम अच्छा है बोला। नहीं नहीं हैट अच्छा है, रेट अच्छा नहीं। तो मत लो। अरे आंटी। ए आ फाइनल बोलो ना, कितने में दिया? नहीं दिया। क्यों? क्योंकि वो मेरा है। ठीक तो रख लीजिए। रख लूंगा। ए चल। कौन है यार ये सैंपल? नाम जॉन है हा? पर अपने आपको एल्टन जॉन समझता है। अबे एल्टन काय का, पूरा पलटन है साला। सही बोला। ए, क्या बोला तू? ए ए यू ब्लडी येलो शर्ट कब यार? मुंबई आया नहीं कि पीना शुरू? तुझसे किसने कहा कि गांव में नहीं पीता था? अच्छा और पीने वालों को पीने का बहाना नहीं चाहिए। बिल्कुल सही विवेक बाबू। हाँ आज संडे भी तो है। करेक्ट, और वैसे भी मैं सिर्फ उन्हीं दिनों शराब पीता हूँ जो शो से शुरू होते हैं। सोमवार, शंगलवार, शुधवार, शुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और संडे। सॉरी 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 स्वीटी, देखो आपको गलती हो गया, हम बुका को क्या मालूम है कि तुमको क्या अच्छी लगती है। मैं जा रही हूँ। अबे वो देख। ठीक है मैं भी चलती हूँ। चलती हूँ? ठीक है जाओ, तुम जाओ। ओह गॉड स्वीटी। अरे वो स्वीटी तो चली गई यार। ओ बाबू मोशाय इधर इधर। चला गया तो तुम भी चली आओ। मेरी मजाक क्यों उड़ाती हो? क्योंकि पोतंग नहीं मिली ना इसीलिए। अरे पर हुआ क्या? अरे आज उसका बर्थडे थी ना हाँ। तो मैं गुलाब का फूल लेके आया था, लो वो चला गया, बोला मैं प्यार करने के लायक ही नहीं हूँ। अरे गुलाब देने से आजकल प्यार नहीं होता बाबू मोशाय क्या? वो भी ये बोलता था, अबे इस लड़की को छोड़ और दूसरी लड़की को पकड़ ले। सही बोला रे साला, तुम लोग कभी नहीं सुधरोगे। हम नहीं सुधरेंगे। अरे जमाना बदल गया प्यारे, आजकल प्यार करने के लिए हाथ में सामान और जेब में दुकान होना बहुत जरूरी है। मैं बताता हूँ प्यार का नया फॉर्मूला। प्यारे क्या बोला रे, दिल के दिल को दिया रे, सही बोला रे। अब तो दौलत
बिना थोड़ी शोहरत बिना सौदा दिल का दिल से नारे। ऐसा क्या? सही बोला रे तू समझा क्या भाई जो बोला रे। वो दिन हवा हुए प्यारे क्या बोला रे दिल लेके दिल को दिया रे। सही बोला रे अब तो दौलत बिना थोड़ी शोहरत बिना सौदा दिल का दिल से नारे। सही बोला रे तू समझा क्या भाई जो बोला रे। चेहरे पे नजर रुकती थी निगाहें शर्म से झुकती थी आहें होठों से उठती थी मोहब्बत ऐसे ही पलती थी है। वो दिन हवा हुए प्यारे क्या बोला रे चाहत पे लुटते थे सारे। सही बोला अब तो दौलत बिना थोड़ी शोहरत बिना सौदा दिल का दिल से नारे। सुन ले शाने। सही बोला रे तू समझा क्या मजनू मिट गया सहरा में वो रांझा जाडूबा दरिया में मिलाना यार उनको जहां में मगर वो मर गए हैं वफा में है। वो दिन हवा हुए प्यारे क्या बोला रे सब थे वफाओं के मारे। सही बोला रे अब तो दौलत बिना थोड़ी शोहरत बिना सौदा दिल का दिल से नारे नारे नारे। सही बोला रे तू समझा क्या भाई जो बोला रे। तू भी प्यार पे ना रोना चमकना जैसे चांदी सोना वादा चांद तारों का देना फिर तो झूमेगी हर हसीना है। वो दिन हवा हुए प्यारे क्या बोला रे दिल के थे वारे न्यारे। अब तो दौलत बिना थोड़ी शोहरत बिना सौदा दिल का दिल से नारे। सही बोला रे सही बोला रे तू समझा क्या भाई जो बोला रे। सही बोला रे सही बोला रे तू समझा क्या भाई जो बोला रे। की समझा कमिंग पार्टी के लिए ही निकल रही हूँ बाय चल। हाय हाय यू आर लेट यू नो हाउ इट इज। विस्की? नो थैंक्स मुझे आदत नहीं है। क्या प्रीति अमेरिका में रह के पीना भी नहीं सीखा? पीना सीखने के लिए बार में जाना काफी है अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है। सॉफ्ट ड्रिंक मैम। श्योर थैंक यू। लेडीज जेंटलमैन एंड एल्टन इतना शॉर्ट टाइम में एक ऑर्डिनरी कॉन्ट्रैक्टर से इतना बड़ा बिजनेसमैन होने पर मिस्टर सचिन चतुर्वेदी के लिए लेकिन अपनी पत्नी की किस्मत से चीयर्स इनको। चीयर्स। कितनी गलत बात है मेहनत उनकी और नाम इनका। ठीक है मम्मी की वजह से ही पापा लकी फेलो है तू नहीं मान रही इस बात नहीं। को ठीक है
मैं तुझे यही एक बदनसीब दिखाऊंगी, तब तो मानेगी ना। लेट्स सी। हाँ जी, बहुत अच्छे, बड़ी स्मार्ट लग रही हैं आप। ओ सर, हेलो, क्या बात है, टाई भी आज अपनी फोटो लगाई है। यू बगर, तुम्हारी दीवार पे लगा दूंगा, समझे? स्टुपिड फेलो। ए, कैसा बंदा है? ओ सर, कॉकटेल्स? यस, थैंक यू। एनीथिंग एल्स मैम? नो थैंक यू। ओके, वो क्या है? नेल पॉलिश। नेल पॉलिश को कॉकटेल्स में मिला के पिए तो पेट में बाढ़ आ जाएगी। अब देखना क्या पार्टी है सर। हेलो सर। और सर जी बहुत बहुत मुबारक हो, सच्ची आई एम वेरी हैप्पी। यहाँ इतने लोग पी रहे हैं ना, मगर ये ग्लास सिर्फ उस बदनसीब के पास ही जाएगा, देखना। आज मन मेरा इतना खुश है सच्ची, देख लो आपने कितनी तरक्की कर ली है। वेटर। यस मैम। ये नहीं चाहिए, ले जाओ। ओके मैम। अब देखना। सर पता क्या है, अगर मैनेजर सही हो ना तो मालिक कहीं भी पहुंच सकता है। हेलो, हाउ आर यू? सचिन चतुर्वेदी, लकी फेलो। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसी को ग्लास लेनी चाहिए थी। तो ये कैसे कह सकती कि ये ग्लास उसी को लेना चाहिए? वो हमारा होटल मैनेजर, बदनसीबी को अपने जेब में लेके घूमता है। ओ, आप ले रहे थे? नहीं नहीं, लीजिए। नहीं नहीं सर, लीजिए आप। लीजिए, नहीं कोई बात नहीं है, तो अब कोई बात नहीं, आप लीजिए। बड़े जिद्दी हो आप, ये प्यार है आपका, और कोई बात नहीं, आप लीजिए। यस, इसे कहते हैं बदनसीबी। खाटकर जी। हेलो। हेलो। अरे सुनिए, कहाँ जा रहे हैं आप? जहाँ जाना चाहिए। अरे सुनिए तो, मैंने किसी को आपके पास भेजा था जॉब के लिए, मिला? नहीं, उसका ना पेट खराब था। पेट खराब था? पेपर पेपर खराब थे। पेपर? और मैडम जो पूछना ना कल पूछ लेना, मुझे जाने दो, बड़ा जरूरी काम है। अरे सुनिए तो, इतनी अच्छी पार्टी चल रही है, आप कहाँ जा रहे हैं? अच्छी पार्टी चल रही है तो चलने दो ना, गंदी जरूर करनी है। आप यही खड़े रहिए। अगर मैं यहाँ खड़ा रहा तो फिर कोई खड़ा नहीं रहेगा, बाढ़ आ जाएगी। आप रुकिए। आई रिजाइन। What is this? Coke? Coke? Yeah? Okay. पूछ लेते हैं, आजा आजा। मैडम क्या हुआ, गाड़ी नहीं खुल रही क्या? नहीं। अरे मैं खोल दूं? मैडम आपकी गाड़ी वो नहीं, आपकी गाड़ी तो ये है। ये मेरी गाड़ी है। नहीं नहीं मैडम, ये पीली गाड़ी आपकी है। हाँ? अच्छा, और तुम? अरे हम तो ड्राइवर हैं मैडम जी आपके। अरे चलो चलो चलो, अरे जल्दी खोल, जल्दी खोल। हाँ हाँ मैडम, ऊपर ऊपर। मैडम खेलोगे? क्या देख रहा है? चांद। अच्छा, मुझे लगा शायद सूरज को। चांद तो पता है यार, मगर कब तक देखेगा? जब तक उतरेगा। अरे सेम चांद तो अपने घर से भी दिखते हैं यार। हाँ, मगर यहाँ पर चांद ऋतिक जैसा दिखता है और वहाँ पर चिंपैंजी जैसा। सही बात है। सुन ना यार, तू क्यों पका रहा है? अरे तुम लोग क्यों पका रहे हो यार, वैसे भी तुम लोग का कोई टेस्ट नहीं है। तुम लोग जाओ ना। तो फिर इसे खड़े रहने दो, और सुन तू चांद को ना उतार के आना। हाँ बिल्कुल, पूरा उतार कर आना मेरे भाई। कभी कभी ना मुझे इस पर शौक होने लगता है। मुझे भी। छोड़ना यार। मैं बताता हूँ।
आप ठीक तो है ना? थैंक यू। कौन थे वो लड़के? पता नहीं। देखिए, आपको अपने बराबर के लोगों के साथ घूमना चाहिए। ये बड़े बाप के लौंडे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते, पता नहीं अपने आपको क्या समझते। और आपको भी इतनी नहीं पीनी चाहिए थी। हेलो ओ मैम, हेलो। अजीब बेवकूफ लड़की है। चाचा आ गया, सो जा। एक लड़की एक लड़के को चुम्मा कब देती है? जब उसका मूड करता है। फिर प्यार कब करती है? जब उसका मन करता है। मन कब करता है? कभी नहीं, सो जा। चाचा सपने कब सच होते हैं? नींद मेरे बाबा, सो जा। चाचा आज कुछ हुआ? चुम्मा मिला। कैसे पता? सोने नहीं देता ना, पता चल जाता है। उसने मुझे चुम्मा दिया और मेरे होश गुम हो गए। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था जब मेरे बाप ने मेरा नाम दुनिया लाल त्रिपाठी रखा था। सो जा। नींद नहीं आ रही। मुझे आ रही है, सोने दे। अरे यार वो सिर पर थैली क्या है? कौन ये? थैली नहीं है, आधी रात को ठंडी लगती है ना, तो रिजर्वेशन है। अरे यार यहाँ पर मैं चुम्मे की वजह से चुम्बक हो रहा हूँ और आप एक सो रहे हो, नींद कैसे आ सकती है आपको? श्री श्री नित्यानंद स्वामी जी की वजह से, सो जा। वो कौन है? मेरा बाप। आपकी बाप स्वामी है? मेरा बाप स्वामी के माँ का लंगोटिया यार है, जिसे कभी चुम्मा नहीं मिला। इसलिए जब भी वो सोता है तो हर उस विवेक को गाली देता है जिसका दिमाग एक चुम्मे की वजह से परेशान हो गया। इसलिए तू सो जा। सो जा, सो जा। अरे वो क्या है? खुद को सुला रहा हूँ रे बाबा। ये ऐसे? जैसा मन में सोचो वैसा होता है। अच्छा, इसलिए सो जा। गुड नाइट। उठ उठ उठ। अरे मुझको भी आ गया चाचा। आपकी बताई टेक्निक काम कर रही है चाचा? ये क्या खा काम कर रही है? ऐसे चिल्लाएगा तो मैं क्या पूरा मोहल्ला जग जाएगा। अगर एक बार भी और चिल्लाया ना तो ये जो थैली देख रहा है ना इसमें बंद करके नहीं मारा तो देख लेना तू। अरे तो दाओ ना चाचा, रात के 12 बज रहे, क्यों चिल्ला ले हो? मैं चिल्ला लू? अरे चुप, तेरी तो सुनी ले इको चुमा ले। चल यार अंकल से एक छोटा सा गेम खेलते हैं। हां मुझे वैसे भी खेल कूद बहुत पसंद है। चल। आसमान से आया फिर। हेलो आंटी। हाय अंकल। हाय, हाउ आर यू? आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम गुड। वो क्या है? वो क्या है? ओ इसे इंडिग्लो स्टार्स कहते हैं। इसे छत पे चिपका के सो जाना तो रात को आसमान नजर आएगा। ये लो। अरे छत पर तो वैसे भी आसमान नजर आता है। इडियट, इसे तब चिपकाना जब तुम छत के नीचे सो रहे हो, ऊपर नहीं। अच्छा ठीक है ठीक है। कितने में दिया? 2000। अरे अंकल 2000 के आसमान बेच के गर्मी में सुलाओगे? उससे अच्छा तो हम हमारी छत पे मुफ्त में आसमान देखेंगे। अच्छा तो 25000 में एसी क्यों खरीदना है? कपड़े उतार कर नंगे सो जाओ। तो आपसे किसने कहा कि हम नंगे नहीं सोते? अच्छा तू ची, खरीदना है कि नहीं बोल। अच्छा ठीक है ठीक है। खरीदा तो ये हैट मुफ्त में देंगे? पूरा दुकान खरीदा तो भी नहीं दूंगा। हाँ वो अंकल तारा क्यों टूटा है? कौन सा तारा? वो अरे अंकल तारा, तारा तो यहाँ है। यू ब्लडी व्हाइट शर्ट, मैं तेरे को दिखा दूंगा टाटा। गिव मी माय हैट, गिव मी बैक। क्या हुआ? हाँ गलती से आ गया, सॉरी आंटी। क्या आंटी, चुम्मा ले लू? अरे माफ करना अंकल। हाँ दैट्स बेटर आंटी। क्या बोला यार, बच गया। कुछ भी हो यार ये साला गिड्डा बहुत तेज है। अरे तू देख एक ना एक दिन ये टोपा अपने सिर पे आएगा ही। सही बोला, समझा ना? चल। हे हाय सर। हाय क्या बोला चो? भालो। अमर कहाँ है? अमर अंदर रेस्टोरेंट में गया। और आप कैसी है? उस रात घर पहुंचने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? उन लोगों ने आपको फिर से तंग तो नहीं किया ना? आप? अरे मैं वो। हाय प्रीति। हाय अमर, क्या हाल है? गुड। तुम इन्हें जानते हो? तुम जानते हो? अरे हम एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। अच्छा है? ये कौन है? ये है विवेक। अरे लेकिन तुम यहाँ कैसे? मैं प्रिया से मिलने आई थी। ओ अच्छा, ओके मिलते हैं। ठीक है। हाँ। ये रैक का ये हाल किसने बना रखा है यार? कितनी बार बोला कि न्यूज़पेपर आगे और वीकली पीछे होना चाहिए। अरे यार मैं इस लड़की को जानता हूँ। अच्छा? अरे जोक नहीं, सच। परसों रात 4 लड़के प्रीति को छेड़ रहे थे और मैंने जाके उन्हें और तूने उन 4 गुंडों को मारा। हाँ। उस लड़की को बचाया। हाँ। वो लड़की भागती हुई आई और उसने दरगाल पे किस किया, यही ना? अरे हाँ यार तुझे कैसे पता? क्योंकि मद्रासी पिक्चर देखने वाला ऐसे ही बोलता है। हाँ ये किताब। I'm sorry. I'm extremely sorry. वो मैं आपको बिल्कुल पहचान नहीं पाई। अमर अगर परसों रात ये नहीं होते तो I'm really sorry. अरे नहीं नहीं it's okay. प्रीति हाँ चले, मैं चलती हूँ। बाय 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 अमर। बाय बाय।
और मैंने आप लोगों से कितनी बार कहा ये दुकान यहाँ पर नहीं फुटपाथ पर होनी चाहिए थी और मद्रास से पिक्चरें देखना बंद कर मेरी जान क्या तू चुप बैठेगा अरे कितनी दूर जाकर वापस आकर सॉरी कहा ना मतलब मैटर कितनी दूर तक गया होगा अबे चल बे अरे शर्माता क्यों है भाई अबे चल हट एक्सक्यूज मी वेलकम टू द फूड फेस्टिवल सर ये ब्रोशर खाने के लिए या पहुंचने के लिए पढ़ने के लिए बड़ी बदतमीज है ये जी रखिए इसे देख भाई जब मिर्ची के भजिए बनाते हैं ना तो मिर्ची को ऐसे नजाकत से पकड़कर लड़की के होठों को लगे ना लगे ऐसे आटे में लगाकर धीरे से तेल में छोड़ देना चाहिए क्या ये ले छोड़ हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं या बनाने आए हैं चलें तू छोड़ यार मैं तो खाने आया हूँ ये ले खा 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 मजा भाभी खा चले हाँ चलो चलो तू समझा ना अच्छा सुन एक बार करके बता ऐसे आराम से दो प्लेट भजिया देना ये स्टॉल मेरा नहीं है तू कर तो यहाँ क्यों खड़ा है पता नहीं था आप जैसे लोग भी आएंगे तू कर यार कमाल है इस शहर में एक भी आदमी तमीज से बात करना नहीं जानता हाँ सर क्या हाँ सर हर बात पे हाँ सर हाय प्रिया आप लोग फेस्टिवल देखने आए क्या नहीं नहीं भाई यहाँ पर तेरे को देखने आए तू अपना शटर बंद करेगा अरे नहीं बाबा हम तो शॉपिंग के लिए आए थे ओ हाय हाय तुम लोग बैठो मैं ड्रिंक्स लेके आता हूँ ओके ए अमर पेप्सी फॉर मी और मेरे लिए भी कुछ चलो यार बैठते बैठते अबे बैठ वो क्या है क्या ओ शिट यार वो स्टॉल पे आटा लग गया होगा दो मिनट हाँ चलता है फूड फेस्टिवल है एक गिलास पानी देना हेलो अब इतनी रात को क्रेडिट कार्ड बेच रहा है दुनिया जहान के सारे क्रेडिट कार्ड हैं मेरे पास फोन रख बदतमीज इडियट ये लीजिए हैं खाली गिलास वो मैंने खाली किया आटा लगा था ना धो लिया वो मेरा पानी था देखिए सर बच्चों जैसी बातें मत कीजिए हवा पानी आसमां सभी के पड़ोसी राज्यों की तरह मेरी हवा मेरा पानी मेरा खाना मेरा दाना नहीं करना चाहिए बहुत बुरी बात है वेरी बैड कौन है ये एकदम पागल लगता है सर ये तो बड़ा बदतमीज निकला टोपी लगा सर ठीक है उनके साथ कुछ गड़बड़ हुई क्या गड़बड़ कोई भी बेवकूफ उससे गड़बड़ नहीं करेगा कद्दू जैसा पेट कुमड़े जैसा सिर नींबू जैसी आंखें नाक जैसे सिंगाड़ा ठीक से देखो तो साला सब्जी मंडी लगता है क्या बस करो इतना भी मजाक मत उड़ाओ उनका क्यों बाकी तारीफ आप करेंगी मैं उनका मजाक नहीं उड़ा सकती क्यों डरती हो नहीं क्योंकि वो मेरे पिताजी हैं मिस्टर आनंद अग्निहोत्री एक मिनट तू भी ना यार क्या हो प्रीति ये लोग सता रहे थे क्या नहीं नहीं हंसा रहे क्या रे उस लड़की के सामने उसके बाप का मजाक उड़ाता है कद्दू के ऊपर लौकी जैसा है करेक्ट ही है अरे लेकिन ऐश्वर्या जैसी करारी चीज भी तो बने है ना तू उसे माफ कर दे अरे विवेक अगर इस उम्र में भी प्यार करना नहीं आया तो कैसे चलेगा यार सीख ले सुधर जा तू हाँ बोल देता हूँ तुझको ए तू यहाँ क्या कर रहा है तू क्या कर रही है यहाँ पे ये लेडीज टॉयलेट है अच्छा लेडीज टॉयलेट हाँ सॉरी इसलिए विवेक भाई मुझे बहुत पसंद है कितना भी टेंशन हो यार वो हमेशा कोलगेट मॉडल की तरह हंसता ही रहेगा एकदम ठीक बोले चीज वो सत्य हमको भी बहुत पसंद आता है उसको देख के लगता नहीं है कितनी प्रॉब्लम्स है उसके साथ क्या प्रॉब्लम मेरे माँ बाप ने पाला शादी के मंडप से उसकी दुल्हन मेरी बहन भाग गई थी लेकिन उसको देख के लगता नहीं है लोगों से प्यार से बात करो ना तो रोने लग जाते हैं और एक ये है अपने आप में रो लेता है अमा यार मुंडी तो कीजिए कमाल कर दिया कहाँ कहाँ से कैसे कैसे लोग आते हैं हाँ एक मिनट अरे यार ये गाना बदल देना कौन सा गाना ये गाना बदल देना ये गाना आपको पसंद नहीं है क्या नहीं बहुत पसंद है हाँ। लेकिन इतना जोश वाला गाना सुनते हैं कहीं तू उस तरह मेरे गले पे रख दे तो गड़बड़ ना हो जाए नॉट बॉय अगर ऐसी बात है तो ये गाना अभी बदल देते हैं भाई अपना बना लेते भाई क्या करें नमस्ते आंटी जी अरे डरिए मत मैं उग्रवादी नहीं मैं विवेक आपकी बेटी का दोस्त आपकी बेटी प्रीति एक्चुअली आंटी जी वो मैं कल रात फूड फेस्टिवल में अंकल से अनजाने में बहुत कुछ बोल गया सॉरी बुरा मत मानिएगा वो क्या है ना कि मैं प्रीति को भी यही समझाना चाह रहा था लेकिन अचानक समझाइए ना ओ हाय हाय मैं एक्चुअली आंटी से वो कल वाली बात कर रहा था आंटी कौन आंटी ये आपकी मम्मी ये मेरी मम्मी नहीं है
नहीं नहीं, ये मेरी मालकिन है। ये क्या? मेरी आया है। आया? Yes. मैं तो गया। क्या आया को तुम्हारी माँ समझा? अब तुम्हारी डैड की पर्सनैलिटी को देखकर आया कोई माँ समझेगा ना? करेक्ट। और आपको सब्जी की दुकान। ग्रेट। छाया तुम जरा किचन में तो देखो। जा भाई। प्रीति तुम ऐसे लड़कों से दोस्ती क्यों करती हो? विवेक अच्छा लड़का है मॉम, एंड यू नो व्हाट, वो खाना बहुत अच्छा बनाता है। तो ऐसा करते हैं, उसे अपने घर में रख लेते हैं। वो लड़का होके खाना बनाता है? और तुम्हारी माँ औरत होके भी खाना नहीं बना पाती। बोलो ना। एक्सक्यूज मी, अगर मैं अच्छा खाना नहीं बनाती तो इतना बड़ा पेट कहाँ से आता प्रीति? ये पेट तुम्हारे खाना बनाने की वजह से नहीं है जानू, तो बल्कि उसके ना पचने की वजह से है। क्या बात है, बहुत हंस रहे हैं आप लोग। चाची आप भी आइए, बहुत मजा आएगा। मैं भी सुन सकता हूँ? अरे यार क्या कर रहे हो भाई, हाथ मत लगाना, मैं खुद खड़ा हो सकता हूँ। सुभद्रा इसे कुछ लस्सी वस्सी पिलाओ। नहीं मुझे चाहिए। यहाँ कोई लेवल नहीं है। बाहर तो मिलती है। तो वहीं जाके गिरना, मेरे ऊपर क्यों गिर रहा है? पैसे तो वहाँ जाके गिरता हूँ। मेरे पास पैसे नहीं है भैया। पिताजी 10 करोड़ रुपए छोड़कर गए, जिसमें से आधा हिस्सा मेरा है। अभी गिन के दूँ? नहीं, सिर्फ 1000 रुपए चाहिए अभी, बाकी आप रख लो, जहाँ साइन करनी है करवा लो, मैं करने के लिए तैयार हूँ। जल्दी करो, बार बंद हो रहा है। ये ले उमर। भैया इतने सारे पैसे लेकर नहीं चलना चाहिए, जेब कट जाएगी। तुझे क्या करना है, तू जहाँ जा रहा वहाँ जाना। देखा कैसी बातें करता है, देखा भाभी। सुभद्रा सामान बांध लो, कल सुबह हवाई जहाज से हम हवाई चले जाते हैं, इस जेल में रहने से तो अच्छा है। तो जाना फिर? जाता हूँ। भैया संभाल। इट्स ओके, रास्ता दो, बाहर में जाना है। अरे विवेक। हाँ कहाँ जा रहे तू? सिगरेट लेने। तू बाइक ले जाना। अरे बगल में ही तो है। अरे यार चाबी अभी ले, मस्ती वस्ती कर, लड़की वड़की ताड़ यार, उम्र है तेरी। थैंक्स यार, वैसे जितना मैंने सोचा था उतना बेकार नहीं। मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। अच्छा सुन, रस्ते में टायर की हवा चेक करा लेना। लड़की वड़की ताड़, बाइक ले जा, उम्र है तेरी। साले जितना दिखता है उतना सीधा नहीं है तू। मैं बहुत सीधा आदमी हूँ। हाँ चल भाग। खींचता रहे बाइक। स्वामी चाबी। अभी कोई गाड़ी के नीचे आकर मरता है ना तो अखबार में नाम छपता है। मैं चाबी के नीचे दबकर मर गया तो गिनीज बुक में नाम खराब हो जाएगा। सॉरी ब्रदर। इट्स ओके, चलता हूँ। ये छोटू जल्दी आ। भैया मेरी गाड़ी हो गई। सॉरी मैडम, बस 2 घंटे, आप काम करके आओ, बस 2 घंटे मिल जाएगी। ओह नो। ओह हाय विवेक। ओह हाय। हाय कैसी हो? गुड। तो मैं अभी कोई जरूरी काम है, मुझे अपनी फ्रेंड के घर जाना था, मुझे छोड़ सकते हो? मैं तुम्हें ले जा सकता हूँ, छोड़ नहीं सकता। एंड नो प्रॉब्लम यार, अपनी यामा है ना, आओ। आ गई। पूछ सकता हूँ हम किसके घर आए हैं? मेरी फ्रेंड पूर्णिमा के घर। अच्छी दिखती है? बहुत अच्छी दिखती है। पर अमेरिका में अपने पति के साथ रहती है। बैड लक। तो फिर तुम यहाँ? हम दोनों साथ में अमेरिका में पढ़ते थे। पर उसे पेरेंट्स से ज्यादा डॉलर्स प्यारे हैं, तो शी स्टेड बैक। अंकल आंटी यहाँ अकेले रहते हैं, तो मैं कभी कभी उनसे मिलने आ जाती हूँ। कम लेट्स गो। चलो। ये रहा आपका रोने धोने का चैनल। खुश? थैंक यू। अरे प्रीति आ गई क्या? मैं पूछ रही हूँ आई क्या? अरे बाबा मैं भी पूछ रहा हूँ आई क्या? कितनी देर पहले उसका फोन आया था, अभी तक नहीं पहुंची है। पता है ये नौजवान लोग जितना लेट आते हैं अपने आप को उतना ही ग्रेट समझते हैं। कब अकल आएगी इन लोगों को? अरे जब इन्हें फ्रंट पे भेजेंगे तो। हेलो अंकल। अरे रे रे। अरे कब आई तो? जब आप मुझे डांट रहे थे। अरे बाबा हम डांट नहीं रहे थे, ये तो हम लोगों का आशीर्वाद है, ब्लेसिंग्स है, समझी? आप बड़े लोगों का यही एक एडवांटेज है, पहले हैप्पीली डांट देते हो और कुछ कहो तो कहते हो डांटना नहीं ब्लेसिंग्स है। अच्छा बाबा माफ कर दो, गलती हो गई, कर दिया। अच्छा बाय द वे ये अर्जुन टैंक कौन है? ये मेरा फ्रेंड है और ये मेरे अंकल मेजर कृष्णकांत। विवेक। और ये है मेरी आंटी। नमस्ते। मेरी धर्मपत्नी। अच्छा भाई जरा कॉफी शॉपी हो जाए, हम लोग तब तक बाहर बैठते हैं। हाँ, आप बैठिए, हम लोग लेकर आते हैं। मदद करो। चलो आओ दोस्त। पूर्णिमा का अमेरिका से फोन आया क्या? बेटा रात को फोन आया, आधे घंटे तक बात हुई मेरी। कम ऑन यंग मैन, कम ऑन बैठो।
क्या करते हो? खाना बनाता हूँ सर। अरे भाई, हमने ये नहीं पूछा कि खाली वक्त में क्या करते हो, हमने पूछा है जीने के लिए क्या करते हो। खाता हूँ। You are a jolly good fellow, huh? I like you, man. Thank you. Coffee time. आज कॉफी मैंने बनाई है। Oh really? Yes. Wow, wow, wow. लो भाई, तुम्हारी वजह से प्रीति की हाथ की बनी हुई कॉफी हम भी पियेंगे आज। Thank you, darling. कैसी लगी कॉफी? अच्छी है, अच्छी है। अच्छी है। तो ये काम करो, ये कब भी तुम ही पियो। सर? अरे हाँ भाई, अभी अभी तुमने कहा ना कि अच्छी है। अरे नहीं नहीं सर, ये एक कप से यात्रिया मुंह को आ गई है। पर अभी अभी कहा तुमने? हाँ सर। What? ओ तुम यही थी? सॉरी सर। चलो तुम बताती हो। What आंटी? बच गया। What आंटी? विवेक तेरी बनाई हुई कॉफी पीकर शहीद तो नहीं हो गया ना? क्या आंटी, बैंगन को चाकू से काटना चाहिए या हसीये से? बैंगन को रिवॉल्वर से शूट करना चाहिए। पगली, अरे तुझे बैंगन बनाना नहीं आता तो अपने होने वाले पति को तू क्या खिलाएगी? उस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैं उसी से शादी करूंगी जिसे खाना बनाना आता हो। यंग मैन, अगर आपका घूरना बंद हो जाए तो हम भी कुछ आपस में बात। अरे नहीं सर, मैं घूर नहीं रहता, वो तो बस ऐसे ही। नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं, ओवर एक्टिंग नहीं। अरे ये बताओ, बात क्या है? कुछ नहीं। कुछ नहीं? नहीं। ये जो मेरे बाल है ना, काले किए हुए हैं, अंदर से सफेद है। अरे सर आप भी। और ये सफेद धूप में नहीं हुए बेटा। देखो, सबसे पहले तुमने प्रीति की बिल्कुल बेकार कॉफी को कहा कि बड़ी अच्छी है, और अब मेरी आंखों के सामने, मेरे ही घर में तुम प्रीति को घूर रहे हो और मुझे कहते हो कुछ नहीं। आखिर चक्कर क्या है, चक्कर क्या है? अरे कुछ नहीं सर, आप तो बस ख्वामखा। माय डियर, प्यार करने वाले और जंग में लड़ने वाले कभी डरते नहीं है, इसलिए बेखौफ होकर कूद जाओ मैदान इश्क में। जी सर। शी इज अ गुड गर्ल और तुम भी मुझे बड़े अच्छे लगे हो। थैंक यू सर। जब से मैंने तुमसे आंख लगाई है, ओए पल भी मैंने ना आंख लगाई, मैंने ना आंख लगाई है। जब से मैंने तुमसे आंख लगाई है, ओ कि न दवाई है, ओए पल भी मैंने ना आंख लगाई, मैंने ना आंख लगाई है। जब से मैंने जले की दुहाई है, ओए पल भी मैंने ना आंख लगाई, मैंने ना आंख लगाई है। जब से मैंने जिस्म है तेरा
फूल की डाली देख के तेरे रूप की लाली, चांदनी भी शर्माई है, चांदनी भी शर्माई है। ओए पल भी मैंने नाक लगाई, मैंने नाक लगाई है, जब से मैंने तुमसे आंख लगाई है। रिसीट विसीट सब कुछ देख लिया? नहीं तो यार बाद में वापस वांदे हो जाएंगे। क्या बात, लखन वाइट साथ साथ। अरे चाचा यार वो लड़कियों को टापना बंद करो यार। छी क्या तो टापना मतलब तुम करो तो पूजा और हम करे तो टापना। तुमने अपने लिए देख लिया, मैंने देखो क्या? मैंने किसे देखा? वो प्रीति को। अरे प्रीति से तो मैं प्यार करता हूँ यार, पर उससे कैसे कहूँ कुछ समझ में नहीं आता चाचा। अरे तो इसमें तो ऊपर नीचे क्यों हो रहा है? सिंपल सी बात है, देख जब भी वो किसी कुएं के पास पानी भरने आए तो हाथ पकड़ के पाचे में खींच के आई लव यू बोल डाल, सिंपल। कुएं पे हाँ। अरे हेलो ये बंबई है। अरे यार मैं भी बेवकूफ हूँ यार, किससे पूछ रहा हूँ? लो एक तो दिमाग दो पर से बेवकूफ बना। अरे हेलो ओ मास्टर जी। अरे किधर? ये विवेक। विवेक मेरी जिंदगी में एक ही ख्वाहिश है। और वो क्या है? ये कोन आइसक्रीम खा के मर जाना। हाँ। देख अगर मैं आइसक्रीम नहीं खाना तो मेरा था भूत बन के भटकती रही ऐसा कुछ है। क्यों भाई? अरे यार सेंटीमेंट इस्तेमाल कर रहा है क्या? अरे यार प्रीति की कसम यार, एक आइसक्रीम खिलाते मैं तेरे एहसान कभी नहीं भूलूंगा, प्लीज यार। हाँ मैं तुझे याद दिलाया करूंगा। अंकल टू कोन आइसक्रीम। चॉकलेट वाला? हाँ चॉकलेट। ओके सर, जरा टाइम लग जाएगा। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत सारा टाइम लीजिए, ये लीजिए। हाँ चलो यार आइसक्रीम वाइसक्रीम खा लेते। और बोलो चाचा और क्या खबर? अरे यार एक बात सुन, अगर इस मॉल में कैटरीना कैफ आके बोले तो क्या कहेगा? तो मैं कहूँगा चल जाए। क्यों? और नहीं तो क्या? अरे यार न जान न पहचान, ऐसे ही पहली मुलाकात में आ रहे जा रहे कह के बिना रिस्पेक्ट के बात करेगी तो भगाए बिना छोड़ूंगा क्या? वैसे आ नहीं मतलब स्टाइल से आ तो। अरे यही बैठ के बता देता यार, उठ के जाने की जरूरत नहीं थी यार। मैन और खाएगा? हाँ। इसको और एक देना। Don't worry, man. Hello, uncle. हाँ। How are you? I'm good. Your son, हाँ? फिल्म का पोस्टर देखने आए हैं? ए मैन, अपुन तेरा पोस्टर बना देगा? अहिला, ऐश्वर्या? किधर है? इधर तो अभिषेक भी नहीं है। ये? अरे एक, एक, एक। Excuse me, mister. Picture वहाँ चल रही है। Sorry, पर वो क्या है ना, मुझे सिर्फ इसी कान से सुनाई देता है, इसलिए ऐसे ही पिक्चर देखता हूँ। Okay. Don't mind ना। Excuse me, किससे बातें कर रहे हो? मुझे डिस्टर्ब हो रहा है, प्लीज। Sorry. Okay. Really? कितनी बोरिंग फिल्म है, अच्छी तो है। मैं जा रही हूँ। Bye. गाड़ी चाहिए? पिक्चर बीच में छोड़कर आ गई? ओ तुम यहाँ फिल्म देखने आए थे? तुम्हें देखने आया था। तो बाहर क्यों आ गए? तुम जो बाहर आ गई। सच बोलो। अरे यार सुना है कि पिक्चर की कलेक्शन कुछ खास नहीं थी, इसलिए एक टिकट खरीद ली, फिर देखा कि तुम बाहर जा रही थी इसलिए तुम्हारे पीछे पीछे चला आया। अच्छा। गाड़ी लाई हो? नहीं मैं प्रिया के साथ आई थी। पैदल चले? चलो चलिए। वो कस्टमर जा रहे हैं ना उनको दे दो। एक मिनट, आइसक्रीम खाओगी? नहीं अभी नहीं। अरे यार दो मिनट में आ जाएगी। दो मिनट में कैसे आ जाएगी, तुम कोई जादूगर हो? हो भी सकता हूँ, ट्राई करें। एक मिनट। स्वामी प्रीति को बहुत जल्दी है, जल्दी से एक आइसक्रीम भेज। लीजिए। अमेजिंग, ये कहाँ से आई? उधर रब है, इधर रस्सी है, हाथ में आइसक्रीम है, पर तुसी खाओ सोनियो, ते साढ़े नाल आओ सोनियो। आइए स्वामी, आइसक्रीम, आइसक्रीम मेरा। अरे और एक दिला दूंगा चाचा। अरे ए, नहीं नहीं चाचा, जूते जूते जूते। अरे मेरे फेवरेट चाचा। अरे अरे मेरे फेवरेट जूते दे यार चाचा। बोलते रे बोलते विवेक, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। कुछ कहा तुमने? हाँ कुछ नहीं, पैर दुख रहे हैं, ऑटो कर ले। ऑटो क्यों, बाइक पे चलते ना। बाइक? हाँ ये हेलो, ये हमारी बाइक नहीं है। तो क्या हुआ, ट्राई करते हैं? और चाबी के आसमान से टपकेगी। टपक भी सकती है, ट्राई करें। स्वामी चाबी फेंक, ये लीजिए। आई डोंट बिलीव दिस। बस यही
तुम्हारे साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। एक घड़ी खरीद लो। यू? तुम्हारी हाथ तो गीली हो गई। अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, अपना स्वामी है ना, एक और आ जाएगी। इस बार मैं ट्राई करती हूँ। स्वामी जी, मेरे फ्रेंड की हाथ गीली हो गई है, एक नई हाथ दे दो प्लीज। एक नई हाथ दे दो। आज तो मैं वैसे भी बहुत सारे झटके लग रहे हैं, तो सोच रहा हूँ कि एक और झटका दे ही दूँ। What? वो एक्चुअली मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि You bloody fellow, don't you meet me ever again. Who's this? ये कहाँ से आया? अरे क्या हुआ? तू साइड में आट, किसने खींची चुन्नी? हाँ, चुन्नी किसने खींची? तू था ना बे? हाँ, तू था ना? ए हीरो, कॉलेज के लड़के पास उठाता है? अबे साले बदतमीजी करेगा तो इसके प्रिंसिपल को भी नहीं छोड़ूंगा। चल, चल साले, चल निकल बाहर, चल निकल बाहर, चल चुन्नी निकल, चुन्नी निकल, अबे निकल चुन्नी, चुन्नी निकल, चल उतार शर्ट। साले तेरी सिर्फ शर्ट उतारी है तो इतनी शर्म आ रही है तुझे? लड़कियों की चुन्नी खींचता है, उन्हें कैसे लगता होगा? हाँ, चल अब ऐसे ही घर जा। हाँ, माँ बाप पूछेंगे तो बताना क्या कारनामा किया तूने आज, बहुत खुश होगी तेरी माँ, सोचेगी बेटा बड़ा हो गया। चल साला बदतमीज कहीं के। उसने बदतमीजी की तो तुम्हें भी बदतमीजी करनी जरूरी थी क्या? मैंने कुछ भी गलत नहीं किया, ऐसो के साथ ऐसा ही सुलूक करना चाहिए। पर तुमने उस पे हाथ क्यों उठाया? देखो मैंने जो भी किया सही किया। सही नहीं, दादागिरी की तुमने। क्योंकि उसने तुम्हारे साथ बदतमीजी की। देखिए प्रीति जी, मुझे जो यहाँ लगता है वो कहता हूँ, जो यहाँ लगता है वो करता हूँ। आपको बुरा लगता है तो आपका प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। आई नो, बाय। हेलो अमर, प्रीति। अरे हाय, क्या हाल चाल है? क्या कर रहे हो? कुछ नहीं यार, किताब बेच रहा हूँ। और विवेक? विवेक यार उसकी तबीयत ठीक नहीं, आज आया नहीं। ओह, कोई काम? नहीं, ऐसे ही फोन किया था। चल मैं बाद में बात करती हूँ। हाँ बाय। ओ हाय। हाय अमर, ने कहा था तुम्हारी तबीयत खराब है? हाँ भूल गया था। ओवर एक्टिंग मत करो, तुम्हारी तबीयत खराब है इसलिए फ्रूट्स लाई थी। फल लाई हो मेरे लिए? दे दो, जब बुखार आएगा तब खा लूंगा। आओ चलो। चलो ये पकड़ी, ये भी ले। क्या बात है साला, बंगाली तो कभी हाथ नहीं लगाता। ये क्या है? गाजर है, मौली आलू की, और क्या है? अरे ये तो सड़ा हुआ है। अरे गांव वाला चाचा, देख कर बोल सकता हूँ, अंदर कीड़े पड़े। तुझे क्या लगता है मैं लाइन से आया हूँ? लेकिन अब क्या करूँ? अब क्या, अब तो वापस जाना पड़ेगा। क्या वो दादा भाजी के लिए? अब जाना तो पड़ेगा ना चाचा, अब जहाँ से खरीदा है वहीं पे तो वापस देना पड़ेगा ना। हाँ बात तो सही है ना। अरे क्या, नहीं नहीं अंदर पानी नहीं है, टैंक खाली है, वहाँ उस झाड़ के पीछे जाओ। अरे चाचा झाड़ के पीछे जाओ, खामा का बद्दू फैलोगे। कौन था? हाँ वॉचमैन, सब्जी लेकर आया था। ओके मैं चलती हूँ। कहाँ? घर। अरे भाई ये भी तो घर है। हाँ जरा हटके है पर घर ही है। पहली बार आई हो, कमाल की कॉफी पिला दो। बैठो बैठो। क्या कर रहे हो? हाँ फेंट रहा हूँ, देखना क्या कमाल की कॉफी बनती है। कॉफी। थैंक यू। मेरी उस दिन की कॉफी का बदला तो नहीं ले रहे हो ना? तुम्हें कैसे पता? माइंड ब्लोइंग। अरे भाई हम खुद ही माइंड ब्लोइंग हैं। एक मिनट। तुम पियो, पियो पियो। अरे शोर रख तू। अरे की व्यापार है, इतने गर्मी में तू चाचा को कहाँ भेज दिया? अरे खामों का बदबू फैला रहता। कुछ अबे तू। अरे प्रीति, प्रीति, प्रीति। समझ गया, मुझे क्या चाहिए? मतलब बहुत अच्छा किया, ठीक किया। ये खमका कबाब पे हड्डी बनता शुरू शुरू, ठीक किया। सुन मैं भी एक काम करता हूँ, मैं कोल्ड ड्रिंक्स लेके आता हूँ। गुड आइडिया, कल सुबह तक मत आना। एकदम बिल्कुल नहीं। अरे सुन, हाँ मेरे पास पैसा नहीं रे। साला तू कभी नहीं सुधरेगा। कौन है? हाँ कोई नहीं कोई नहीं, कचरे वाला है, होली की बख्शीश मांगने आया था। हाँ बख्शीश मांगने आया था। आइटम सर।
आसमां पे है नहीं, वो तो है यहीं कहीं। खुश नसीबी हो पाल की, चांद की चली वहां, आई है दुल्हन यहां। खुश नसीबी वो कल तक जो दूर थे, अब उनका ही नूर है। रोशन हुई दिल की जमी हो चांदनी, आसमां पे है नहीं, वो तो है यही कहीं। खुश नसीबी होठों पे कातिल हंसी है, निगाहें हैं तिरसी, शबनम में अदाएं शोलों सी है, तू है रंगों में रंगी। अब रंग ले तू प्यार का, दिल ले दिलदार का, शामो सहर हो बेखुदी हो। चांदनी आसमां पे है नहीं, यही कहीं। खुश नसीबी खुश नसीबी। तारीफों पे ऐसे भी ना शर्माओ, नजरें मिलने भी दो। पर्दे में हया के आंखों से तुम बातें होने भी दो। अरे पहला ये प्यार है, प्यार का दीदार है, तुमसे हुई है आशिकी हो। चांदनी आसमां पे है नहीं, वो तो मेरे साथ है। खुश नसीबी हो पाल की, चांद की चली वहां, आई है दुल्हन यहां। खुश नसीबी मुझे बारिश बहुत पसंद है। मुझे भी। पर एक प्रॉब्लम है। क्या? जब बारिश होती है तो सितारों भरा आसमान नहीं होता, और जब सितारों भरा आसमान होता है तो बारिश नहीं होती। मुझे ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो रोज खुले आसमान के नीचे सोता हूँ। आज कैसे सोओगे? दिखाओ। फिर स्वामी जी आओ, आओ। बैठो, अपनी आंखें बंद करो। विवेक। अरे यार आंखें बंद करो ना, दो मिनट। खोलूं आंखें? अरे दो मिनट यार, तुम लड़की अभी ना। अब खोलो, ऊपर देखो। वाओ। वाओ। बाहर बरसात, ऊपर सितारे और चांदनी। चांदनी? तुम। इट्स ग्रेट, सिंपली ग्रेट। चलो यार खाना खाते। विवेक। बोलो। I'm sorry। क्या? कल तुमने मेरे लिए जो किया और मैंने जिस तरह से रिएक्ट किया, मुझे अच्छा लगा। अच्छा लगा? क्योंकि लोग सिर्फ उन्हीं से गुस्सा होते हैं जिन्हें अपना समझते हैं, राइट? बहुत भूख लगी, खाना खाएं? यस। खाना बहुत अच्छा था। थैंक यू। और तुम उससे भी अच्छे। Thanks. Thanks for the rain. Thanks for the stars. And thank you for you. Good night. अरे तुम लोग यहाँ बारिश में क्यों बैठे हो? अंदर आओ ना। प्रीति। क्या है चाचा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू। तुम पैदा हुई थी ना तब इतनी सी थी, क्वार्टर जितनी, और अब पूरी एक लीटर की बोतल बन गई हो। कहाँ गया यार वो? आहा, यस। हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम्हारे गरीब चाचा की तरफ से एक फाइव स्टार। थैंक यू चाचा। केक लाने गया था और चॉकलेट लेके आया।
ऊपर से गरीब चाचा के सेंटीमेंट्स प्ले कर रहा है। नहीं नहीं, मैं केक लेने गया था। तो फिर कहाँ है केक? भाभी जी, केक को बनने में 5 घंटे लगते हैं। हाँ तो? और मुझे लगा कि टाइम क्यों वेस्ट करूं, बेकरी के सामने ही बार था, वहाँ जाकर बैठ गया। और जब तक केक बना तब तक पैसे पूरे हो गए। आहा डार्लिंग, आज तुमने प्रूव कर दिया है कि तुम मेरी वाइफ हो, इसलिए ये 5 स्टार ले आया। ये 5 स्टार क्यों? इसके पैसे से भी पी लेता। मेरे बेवकूफ भैया, 5 स्टार के पैसे से तो ठहरना भी नहीं आ सकता। अगर आता तो पी लेता। हाँ तो? तेरे तो? पापा प्लीज। क्या भी? बेटी का बर्थडे इसलिए छोड़ रहा हूँ, जा नहाओ मर जाके। ये बार बार मुझे मरने के लिए क्यों कह रहे हैं? चाहोगे तो भी नहीं मरूंगा। Happy birthday to you. Thank you, Chachi. Happy birthday, darling. Thank you, Mama. Useless fellow. Papa. कोई बात नहीं, इसने आपका मूड ऑफ कर दिया। Anyway, wish you many many happy returns of the day. Thank you, Papa. इंडिया में गवर्नमेंट और ये कब गिरे किसी को पता नहीं। कहाँ थे तुम? मैंने दुकान पे ढूंढा, घर पे गई थी। अरे भाई, पर हुआ क्या? आज मैं पार्टी दे रही हूँ। पार्टी? किस खुशी में भाई? आज मेरा बर्थडे है। माने जन्मदिन? अरे पार्टी देने वाले कभी झूठ नहीं बोलते। हैप्पी बर्थडे यार। थैंक यू। शुभ जन्मदिन, मतलब हैप्पी बर्थडे। जन्मदिन मुबारक। थैंक्स, जरूर आना। और एक सरप्राइज भी है। क्या सरप्राइज? कुछ नहीं यार, तेरे को खाने का बिल देना होगा। अबे, वो सब तुझे देना होगा। मैं चलूं? चलो, मैं बाहर छोड़ कर आऊंगा। मैं भी नहीं नहीं, आप यहीं रहिए। बाय। चल 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 चल, ये ले ले, इस बार सब गिरा दे, सब गिरा दे इस बार। चल ले, इस बार अगर तूने सारी पिंस गिरा दी ना तो समझ ले मेरे दोस्त, वो तुझसे प्यार करती है। ऐसा ऐसा चल चल मेरे शेर। स्वामी दारू कहाँ मिलेगी? आगे। What man? What? तुमने आगे बता दिया, वो पीछे चला गया। बेवड़े लोगों को हमेशा opposite direction ही बताना पड़ता है। Why man? ये बेवड़ों की language है, you know? बेवड़ों की language होती है? क्या? यार तेरा general knowledge बहुत कम लगता है, देखने दे। उए, उए, उए। अरे जैसे idiots, कुत्ते, कमीनों की language होती है, वैसे बेवड़ों की भी language होती है। ये क्या है? ये मेरी language है। ए, इधर आ। विस्की ला। अरे ला। सर भैया जी ने मना किया है। भैया जी ने मना किया? भैया पैसे भी नहीं देंगे, विस्की भी नहीं देंगे, क्यों मना किया है? विस्की सिर्फ वीआईपी लोगों के लिए। इधर वीआईपी कौन है? वीआईपी कौन है? ए आ गए। अरे बाप रे, क्या बात है। ए तुझे अकल है कि नहीं? अरे अकल होती तो तुम्हें लेके क्यों आता? अरे यहाँ खाना बनाने का कॉन्ट्रैक्ट भी तो दिलवा सकता था यार, खाना बनाता। कौन खाएगा मेरे सिवाय? और अगर तुम्हारे हाथ का खाना यहाँ के गेस्ट खाएंगे ना तो भूत बन के मारेंगे। चुप। हाय। अरे हाय प्रीति। अरे हाय प्रीति। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। थैंक यू। शुभ जन्मदिन। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। जन्मदिन मुबारक हो। धन्यवाद। तुम पहले आदमी हो जिसने मुझे हिंदी में विश किया है। क्या बात है, आज बहुत खुश लग रही है। मैं तो ऐसी हूँ। क्यों? पता लग जाएगा। प्रीति, मम्मी बुला रही है। यू गाइस एंजॉय द पार्टी, मैं भी आती हूँ। अरे भैया ने ना बोला है। जब हेलो भैया। मैं लड़की का चाचा हूँ। मैं लड़कों का चाचा हूँ। आप क्या लेंगे? आप जो भी देंगे ले लूंगा। ये घड़ी देंगे ले लूंगा, ये अंगूठी, ये चेन देंगे ले लूंगा, ये शर्ट फिट नहीं आ रहा लेकिन आप देंगे तो मैं मैनेज कर लूंगा। भैया मैंने ये नहीं पूछा कि दहेज में आप क्या लेंगे, मैं ये पूछता हूँ कि आप क्या दवाई लेते हैं। दवाई खा लेता हूँ ना, अगर बुखार हो जाए तो क्रोसिन ले लेता हूँ, सर दर्द हो जाए तो इनासिन ले लेता हूँ, सर्दी हो जाए तो विक्स ले लेता हूँ, सिंपल। थोड़ा सा जहर भी ले लो। मैं ये पूछ रहा हूँ आप क्या लेते हो, विस्की, जिन, वोडका, रम, स्कॉच, टकीला? ये मैं नहीं पीता, ये आप जैसे बेवड़े पीते हैं। क्या बात है, शाबाश भैया। ये हुई ना बात, आप आदमी बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत पसंद है। वही जा लाओ। भैया जी ने मना किया है। अरे भैया इसके लिए, मेरे लिए नहीं है, चल निकल फिट।
देखिए भाई साहब, मैं पहले आपको बता चुका हूँ मैं नहीं पीता। तुम्हारे लिए भी नहीं है, चल निकल। चल गुड। Come to my shop, I'll show you so many. Sure, sure. Please come to my shop. Good evening, sir. Oh, hi, Vivek. कैसे हो? अच्छा, आप कैसे? ओए, मैं एकदम फर्स्ट क्लास। वेरी वेल सर। आंटी? नमस्ते आंटी जी। नमस्ते विवेक। इनको जानते हो? अरे आंटी। जी। आंटी? एनीवे। अच्छा लिसन, प्रीति के साथ कैसा चल रहा है आजकल? ओके। गुड गुड गुड, आई लाइक इट यंग मैन। कैप किधर है? कम, आई विल शो यू। कम। अरे नहीं नहीं, रुको रुको यार, आदत छूटेगी नहीं। ही इज अ नॉटी बॉय। क्या अभी आज के दिन तो मत पीजिए कम से कम। क्यों, आज ड्राई डे है क्या? भाई साहब, आज भी गिरने का इरादा है। और अरे भाभी जी, गिर नहीं सकता हूँ तो? इसको टेक के खड़ा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन। ओहो, भैया ने बोलना शुरू कर दिया है। सुनिए, आप लोग जाकर सुनिए। इसको रखिए, आप कभी नहीं सुधरेंगे। चलिए चलिए, वन फॉर द रोड समझ रहा था। आप सब जानते हैं आज हमारी लाडली बेटी प्रीति का जन्मदिन है और इसकी सगाई भी आज हम यहीं करने जा रहे हैं। लेकिन वो कौन है, क्या करता है, ये सब कह के मैं आप लोगों को बोर नहीं करूंगा। लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कि अगर मैं बेटा चाहता तो ऐसा ही चाहता। वो आप सबकी तरह बड़ा आदमी तो नहीं है, लेकिन काबिल बहुत है। प्रीति, अपने मंगेतर को बुलाओ। Excuse me. Hi. Hi, sir. Prakash Raj. Bright young man. MBA from Delhi University. इन्होंने एक साल पहले हमारी कंपनी ज्वाइन की थी, मगर छह महीने में ही हमारी कंपनी के जनरल मैनेजर बन गए और सीईओ हैं। इन्होंने कंपनी ज्वाइन करते ही हमारी कंपनी का टर्नओवर दुगना कर दिया। Give him a big hand. मुझे इंट्रोड्यूस नहीं कराओगी? श्योर। ये प्रिया। हाय। सुनील। हाय। अमर। हे मैम। सौरभ। और विवेक वहां पर है। हाय, आई एम प्रकाश राज। लगता है तुम्हारे बॉयफ्रेंड्स काफी ज्यादा हैं, नहीं? ऑफ कोर्स, बॉयफ्रेंड्स लड़की की खूबसूरती का सबूत होते हैं। सो अमर, क्या करते हो तुम? अभी फुर्सत में मिलना, बताऊंगा। हाउ स्वीट। विवेक, तुम यहां क्या कर रहे हो? क्या हुआ? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि किसी और का चेहरा खिला। क्या हुआ? पार्टी अच्छी नहीं लगी या लड़कियां अच्छी नहीं है? प्रकाश कैसा लगा? अच्छा है, बड़ा आदमी है। थैंक यू। अब तुम कुछ भी बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा। आई लव यू। विवेक। आई लव यू प्रीति। खुशी और गम का संगम, संगम। विवेक। खुशी और गम का संगम, संगम। खुशी और गम का संगम, जीना है यही अहम दम। खुशियों को आ चुन ले हम, हम होंगे गम। ये दुनिया दो रंगी, रंगी कभी बेरंगी, तू हर हाल में गाते जाना हो संगम। खुशी और गम का संगम, अहम दम। अमर, तुमसे जरूरी बात करनी है।
विवेक तेरा दिमाग खराब हो गया, तू पागल हो गया? अरे एक लड़की ने तुझसे प्यार से दो मिनट बात क्या कर ली, तू उसकी सगाई में जाकर उसे आई लव यू बोलाया? अरे ये तो अच्छा होगी प्रकाश ने नहीं सुना। दो मिनट नहीं, दो महीने। अरे दो महीने सही यार, लेकिन ये क्या बात हुई? प्यार करना गलत है? अगर प्यार करना गलत नहीं है तो फिर मैं आई लव यू शादी से पहले बोलूं, शादी के बाद बोलूं या शादी के दिन बोलूं, क्या फर्क पड़ता है? मैं ये पूछने नहीं आई हूं कि तुमने कब कहा, मैं ये जानना चाहती हूं कि तुमने क्यों कहा। अरे भाई जब इंसान के पैदा होने या मरने पर किसी का अधिकार नहीं, वो कब किससे मोहब्बत करे इस पर किसी का बस नहीं, तो फिर आप लोग कौन होते मुझसे ये कहने वाले कि मैं कब किससे आई लव यू कहूं? इससे बात करने का ना कोई फायदा नहीं है विवेक, जस्ट से सॉरी टू हर। बोलूंगा, जरूर सॉरी बोलूंगा। उस रात मैंने तुम्हें चार आदमियों से बचाया, मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं था, लेकिन तुमने सीधे आकर मेरे गाल पर किस कर दिया। क्यों किया? थैंक यू कह देती बात वही खत्म हो जाती। तुमने कहा कि तुम सिर्फ खाना बनाने वाले से शादी करोगी, ये जानते हुए भी कि मैं वहां पर मौजूद था, और उस दिन जब तुम्हें पता चला कि मेरी तबीयत खराब है तुम दौड़ी चली आई। ये प्यार नहीं तो और क्या है प्रीति? जब इन सब सवालों का जवाब तुम मुझे दोगी तब मैं तुम्हें सॉरी कहूंगा। तुमने मुझे गलत समझा विवेक, जब तुम बीमार थे मैं तुम्हारे घर आई जरूर थी, पर इसलिए क्योंकि तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। हाँ आंटी के घर मैंने वैसा कहा जरूर था, पर वो सिर्फ एक मजाक था। तुम कहते हो उस रात जब तुमने मुझे बचाया तो मैंने तुम्हें किस किया, पर ये बात तो मुझे याद भी नहीं है, मैं नशे में थी। तुम्हारी उस एक किस की वजह से मैं कितना डिस्टर्ब हुआ इसका अंदाजा तुम नहीं लगा सकती। उस एक बात से तुमने सोच लिया? जिसे तुम एक बात कह रही हो उसकी वजह से सो नहीं सका मैं 10 रात, और उन 10 रातों में तुम्हें मुझसे प्यार हो गया। कितना समय चाहिए होता है प्यार करने के लिए? तुम्हारी शादी तय हो चुकी है, कितने दिन रही हो तुम प्रकाश के साथ? उसने तुम्हें देखा होगा, तुमने उससे शादी तय हो गई। मैंने 2 महीने गुजारे हैं तुम्हारे साथ, शायद नफरत करने के लिए एक जिंदगी काफी नहीं मगर प्यार करने के लिए एक पल ही काफी है। 2 महीने कुछ नहीं होते विवेक। जिंदगी गुजारूंगा, दोगी मौका? तुम बहुत क्लेवरली बात कर रहे हो। सच बात कर रहा हूँ, मैंने तुमसे पहले भी कहा था मुझे जो यहाँ लगता है वो कहता हूँ, जो यहाँ लगता है वो करता हूँ, किसी से पूछकर प्यार नहीं करता मैं। विवेक मुझे शादी से पहले प्यार पे भरोसा नहीं है, शादी के बाद पति पत्नी साथ रहें यही जरूरी है। और हमारे बीच जो कुछ हुआ, तुम्हें जो कुछ लगा वो एक छोटी सी बात थी, जानबूझकर नहीं हुआ। और अगर वो तुम्हें दोस्ती नहीं प्यार लगा हो तो आई एम सॉरी। तुम अमेरिका में रहकर आई हो ना, इसलिए एक आदमी और औरत के संबंध तुम्हारे लिए छोटी सी बात है, लेकिन गांव से आए हुए मुझ जैसे को इससे ज्यादा समझ में नहीं आता, और इसके लिए मुझसे तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं। हाँ मेरी की हुई हरकत की वजह से तुम्हारी और अमर की दोस्ती में कोई फर्क ना आए, बस इतना ही मैं चाहता हूँ। सुनो ये फूल देखो कितने मुरझा गए, इन्हें बदल दो। क्या बात है भैया, आज आप इतने टेंशन में क्यों लग रहे हैं? बिन लादन घर आ रहा है क्या? नहीं, आज दामाजी पहली बार घर पे खाने पे आ रहे हैं। अरे भैया दामाजी आ रहे हो या ओबामा आ रहा हो, हमें अपनी आदतें नहीं छोड़नी चाहिए। यू शुड बी अ मैन ऑफ योर प्रिंसिपल्स। 24 घंटे शराब पीते हो, अभी पीना जरूरी है? 24 घंटे सांसें लेते हो, 1 घंटा रोक सकते हो? शराब का भी ऐसा ही है भैया। जो करना है करो, लेकिन ओलंपिक की मशाल की तरह दामाजी के सामने गिलास लेकर आगे पीछे नहीं घूमना। भैया भैया भैया, सचिन तेंदुलकर के हाथ में बैट न हो और मेरे हाथ में ग्लास न हो शोभा नहीं देता। Just get lost. Okay. जरा शीशा बुली है वो। कमाल है। एक मिनट। पहले दायां पैर अंदर रखिए। बाया क्यों नहीं? अरे भैया दाया जो है वो शुभ होता है और बाया जो है वो अशुभ होता है। तो एक काम कीजिए, एक कुल्हाड़ी दे दो, काट देते। क्यों? अरे मेरे कालिदास चाचा, अगर बाया पैर बुरा होता तो इंसान के पास सिर्फ एक ही पैर होता। 21st century में ये सब फालतू बातों की कोई जगह नहीं है। आइए। हेलो प्रकाश। हाय अंकल। आओ बेटा आओ, बहुत भूख लग रही है अंकल। तो चलो पहले खाना खा लेते हैं। हाय प्रकाश। हाय। मेरी ड्रेस कैसी लग रही है? अच्छी नहीं है। मगर सबको तो अच्छी लगी। इसलिए अच्छी नहीं है क्योंकि हमारे कपड़े अच्छे लगने चाहिए, लेकिन हमसे अच्छे नहीं लगने चाहिए। कम भैया आने दो ना उसे, आप तो संभल के। I'm okay. ओए लेडीज लाओ। खाओ खाओ खाओ। ये पर्दे किसकी चॉइस है? मेरी है। कैसे है? बहुत अच्छे। थैंक यू।
मुझे बहुत सारे कलर्स पसंद हैं। आपको कौन सा कलर सबसे अच्छा लगता है? ब्लैक एंड व्हाइट। सफेद क्यों? क्योंकि उसमें काला नहीं होता। और काला क्यों? क्योंकि उसमें सफेद नहीं होता, राइट? रॉन्ग। आई? क्योंकि वो काला ही होता है। अरे भाई लाइए, मैं गैस को दो, गैस को दो। वैसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ मैं आपसे, हैं? आप ये दाहिने हाथ से ही क्यों खाते हैं? बाएं हाथ से क्यों नहीं खाते? हाँ तो मैं पैर से भी सकता हूँ, और अगर पैर से ना खाना चाहूँ तो ऐसे जानवरों की तरह भी खा सकता हूँ। भगवान ने दो हाथ दिए, एक खाने के लिए और दूसरा किसके लिए? पता है। अच्छी बात है, हर चीज में थोड़े से इमोशंस होने चाहिए। संस्कार के बिना आदमी और सीमेंट के बिना दीवार खड़ी नहीं हो सकती। वाह, संस्कार के किससे उलझ रहे हो भाई तुम? किससे? खाना खाओ, लेट्स स्टार्ट। परसों पार्टी में तुम बात कर रही थी एक टॉल हैंडसम फेलो। या, ही इज माय फ्रेंड विवेक। खाना कैसा लगा? खाने से ज्यादा उसमें जो आपका प्यार था वो अच्छा लगा। इसका मतलब ये हुआ कि खाना अच्छा नहीं लगा। सॉरी, मैं चुप रहूंगा। फिर कब बुला रही हैं? जब भूख लगे तब आ जाना। अच्छा चाचा जी, ओके अंकल, ओके बाय। बहुत अच्छा बोलता है ना? बहुत अच्छा नहीं बोलता है, बहुत ज्यादा बोलता है। हर एक को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ, जाओ okay. जाओ। विवेक, 3 दिन से बोलो टेलीफोन का बिल पे कर दे। क्या हुआ? भूल गया। तू पहले ना उस लड़की को भूल जा, फिर ऐसा कुछ नहीं भूलेगा। गुस्सा आ रहा है ना, बाद में रोना भी आएगा, मगर प्रीति नहीं आएगी। और अब ये सिगरेट फूंकना बंद कर। बेटा, नदी पार करनी है तो भीगना तो पड़ेगा ही, और प्यार किया है तो आंसू तो बहाना ही पड़ेगा। तो दुखी मत हो यार। मैं दुखी नहीं हूँ चाचा, मैं प्यार में हूँ, प्यार में। Thank you.
झुक सीने की धड़कन बुझी बुझी सी जिंदगानी हर चिर दिल को है जाती आते जाते सांसों की रवानी देखूं तो लगता है ऐसे बीती जैसे सदियां हजार नहीं पत्ते चलो हाँ गिरे हुए पत्ते नहीं उठाना गिरे हुए पत्ते नहीं उठाना अरे भैया ये बिना विस्की पिए हुए ये एक का जो है ना मुझे ग्लास नजर आ रहा है और ये रानी रम नजर आ रही है और ये घर बार जैसा और मैं वेटर जैसा नहीं दिख रहा हूँ भैया आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली चुप चुप चलो पत्ते चलो पत्ते चलो चलो नहीं खेलो हाँ खेलो फेंको आओ आओ हाय आओ एनी प्रॉब्लम शुड आई हेल्प यू अरे नहीं भैया इसमें कोई हेल्प नहीं चाहिए वो क्या है कि पत्ते खुद ही फेंकने पड़ते हैं और खुद ही उठाने पड़ते हैं तुम इसकी बातों में मत आओ तुम खेलोगे पत्ते नहीं अंकल मैं पत्ते नहीं खेलता क्यों पत्ते हारो या जीतो दारू पिलाते हैं दारू पीकर बीवी को मारते हैं और फिर सोसाइटी में नाम खराब होता है इसलिए मैं पत्ते खेलता नहीं हूँ खेल भी लूँ तो देखता नहीं हूँ और अगर देख भी लूँ तो सीखता नहीं हूँ भाई वाह वाह मैं भाई आज से पत्ते खेलना बंद करता हूँ वेरी गुड अंकल कीप इट अप कॉफी पियोगे नहीं अंकल अभी जाना है प्रीति हाँ हाँ तो वो प्रीति बाहर जाने वाले जी आई विल कॉल हर ओके हाँ जी प्रीति प्रकाश आया है क्या हुआ आप इतने शॉक में क्यों लग रहे हैं नहीं मैं जुए के नफा और नुकसान के बारे में सोच रहा था ओ माय गॉड गेम हो गई और आपने शो भी नहीं मांगा गेम हो गई हाँ देखिए लेकिन तुम तो कहते थे कि तुम खेलते नहीं हो मैं खेल नहीं रहा हूँ देख रहा हूँ तुम ये भी तो कह रहे थे कि मैं देखता भी नहीं हूँ आपने पत्ते रख दिए इसलिए देख रहा था और देख कर कुछ सीखे नहीं मैं सीख नहीं रहा हूँ सिखा रहा हूँ फाइनली पत्ते खेलो खेल के हारो और हार के सीखो बस बस अरे आ गए हाय हाय चलें ओके बाय 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 ये कैरेक्टर मेरी समझ में कभी नहीं आएगा क्या हुआ नहीं को वो दामाद जी की बात सुनकर मेरी तो आंखें फट गईं सोच ले तूने पी है आंखें अपने आप बंद हो जाएंगी क्या सोच गुड कीप इट अप आंखें सोचने से अगर बंद होती तो ये कहाँ चले योर चॉइस मुझे जो चुनना था वो मैंने चुन लिया जगह तुम चुनो ढाबे पर खाए ढाबे पर मजा आएगा अरे ढाबे में क्या मजा आएगा वही चारपाई पर बैठकर वही बटर चिकन वही बटर नान अरे नो एम्बियंस नो म्यूजिक और मिनरल वाटर भी नहीं मिलता वहां पर और फालतू लोग आते हैं कोई अच्छी महंगी जगह चलते हैं इसीलिए मैंने कहा था योर चॉइस अच्छा बाबा ढाबे पर चलते हैं ओके ओके अरे अमर अरे तुम अरे आप लोग यहाँ पर अरे आप लोगों को तो कहीं फाइव स्टार होटल में जाना चाहिए था यहाँ पे कैसे आ गए अरे फाइव स्टार में क्या होता है कैंडल लाइट में शक्ल भी ढंग से नहीं दिखती एक दूसरे की और वहाँ लाउड म्यूजिक की वजह से बात भी नहीं कर सकते और खाना भी वो रोज का बिल्कुल और यहाँ देखो चार पाई पर बैठकर खाना खाना
और अचानक आप जैसे दोस्तों का मिल जाना, मुझे लगता है मैं वापस गांव में आ गया। I like it. Please. यार टोपी बड़ा अच्छा इसका। Hi Sunil. Hi. 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 I'm Raj. Prakash Raj. आपने अपना नाम नहीं बताया? आपने पूछा ही नहीं। I am DLT. Hi. दुनियालाल त्रिपाठी, गांव करीराबाद, तहसील सकरी, जिला बनारस। काम खाना बनाता हूँ। शादी ब्याह में बहुत अच्छा घुमाया हमने। अनुभव कुछ दिखता नहीं क्या? हाँ? I'm sorry, जो पूछ लिया आपसे। नहीं नहीं, आपको बता रहा हूँ कि बाद में आपको पूछना ना पड़े कि काम क्या करते हो, कहाँ के रहने वाले हो, शादी हुई कि नहीं हुई है। करोगे आप तो क्या पियेंगे? अपना तो पीना और उल्टी करना दोनों ही हो गया। ओके, आप कुछ पियेंगे? मैं नहीं पीता। अभी नहीं पीते या कभी नहीं पीते? पहले पीता था मगर अब छोड़ दी। क्यों? प्यार करने लगा हूं। इंटरेस्टिंग। लोग जनरली प्यार करने के बाद पीना शुरू करते हैं और आपने छोड़ दी। प्यार को बुरा नाम देना पसंद नहीं करता। गुड वन, आई लाइक इट। खाना अच्छा है ना? अंकल के सारे बाल झड़ गए यार। अरे यार सर के भी नहीं बचे यार। अरे अरे मुझे लगता है आंटी की गर्मी बर्दाश्त नहीं हुई अंकल से। ये लोग कुछ ज्यादा ही कर रहे हैं। तुझे क्या, तू अपना खाना खाना। ए, अंकल के टकले के बाल नोच कर रहा हूं क्या? बड़ा मन कर रहा है यार। ए, ए, सुन सुन सुन, आंटी की पीली साड़ी है उस पर पानी डाल क्या, 100 रुपया दूंगा पक्का। छोड़ो खाना खा लो। अरे भैया प्राण जाए पर वचन न जाए। अब तू देख कमाल। सॉरी यार, सॉरी सॉरी। क्या सॉरी? आंख बंद करके चलता है क्या? अरे सॉरी बोला ना भाई, तू तो एकदम गाड़ी लेके चल रहा है। मैं भी सॉरी बोलूं? मैं भी सॉरी बोलता हूं। सॉरी। ए! बहुत चर्बी चढ़ गया तेरे को। क्यों? तुझको भी सॉरी बोलूं क्या? अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया। लड़ाई करनी जरूरी थी क्या? जरा सा हाथ ही तो लगा था। हाथ लगा नहीं था, मैंने लगवाया था जानबूझकर। सुना नहीं कैसे बात कर रहा था अंकल और आंटी से? मैंने पकड़ा तो सीधे सॉरी बोल दिया। क्यों? क्योंकि हम 5 लड़के बैठे थे ना, और वैसे भी आदमी बदलते ही बात और बात बदलते ही तरीका बदलने वालों से मुझे सख्त नफरत है। औरत को देखते ही बेशर्मी से उसकी गर्मी और कपड़ों के बारे में बात करने वालों की चमड़ी उतार देनी चाहिए। सही बोले, इसलिए मारा उसे। Good. Very good. I like what you did. Very good. Anyways, see you guys and keep it up. Cheap people, cheap mentalities. ये विवेक तुम्हारा दोस्त है? हाँ. Crazy. एक दोस्त है जो देखते हैं हेलो बोलता है और दूसरा दोस्त हेलो बोलने पर भी ख्याल नहीं करता. Are you sure he's your friend? Let's get out of here. विवेक, तुमसे बात करनी है। जरूरी है? बहुत। बोलो। मुझे नहीं तुम्हें बोलना है। कल मेरे हलो का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हारी शादी नहीं तोड़ना चाहता था। तुम्हारे हलो बोलने से मेरी शादी कैसे टूट जाती? तो फिर मैं क्या कहता? ये कहता कि जिससे मैं बहुत प्यार करता हूँ वो किसी और के साथ डिनर और ड्राइव पर जा रही है, तो मैं कैसे खुश रह सकता हूँ? इतनी बात काफी होती तुम्हारी शादी तोड़ने के लिए। देखो प्रीति, हिंदी में एक सीधी बात कहता हूँ, सुनो। दोस्ती जो है वो लाइब्रेरी की बुक जैसी है, उसे कोई भी पढ़ सकता है। मगर प्यार, प्यार एक पर्सनल डायरी जैसा। जिसने भी प्यार के 2.5 अक्षर समझ लिए, बस वही ये डायरी लिख सकता है, पढ़ सकता है और समझ सकता है। और ये डायरी किसी लाइब्रेरी या बुकशॉप में नहीं मिलती, दिल में होती है। सलाम सर। ये टिपू सुल्तान। थैंक यू सर। हाँ सर। खा डंडा चलोगे? चलो ना।
यार वाह, इतनी जल्दी खा डंडा आ गया। ये ऑटो की बॉडी में रॉकेट इंजन बिठाया क्या? हाय कितना कितना फास्ट यार। ये ले 100 रुपया रख। 100 रुपया कम है क्या? हाँ साहब। अरे वाह, मधुबन बार इधर भी है। हाँ। लगता है खार डंडा का ब्रांच होगा। हाँ साहब। चलो हेलो छोटू, खार डंडा चलेगा? हाँ साहब चलो। भाई साहब खार डंडा किधर जाएगा, यही तो खार डंडा है। भैया मजाक करते हैं, ये बोरी वाली है। दारू पी क्या आया क्या? है दारू? ये खा डंडा है चिटकुट। अरे गिर जाएगा भैया, गिर जाएगा भाई। यार मैं कहाँ दारू मारा, दारू तो आपने मारा लगता है मेरे को। देखो दारू को और बीवी को दोनों को नहीं मारना चाहिए। ओ यार मैं कहाँ अपनी बीवी को मारूंगा, मेरे तो बदनसीबी के दिन चल रहे हैं, मेरी बीवी तो कब की भाग गई है। फिलोरा ना। ओहो जाओ जी, आपके आगे हाथ जोड़े मुझे बोर ना करो। और यार तू मुझे खा डंडा छोड़ के। अरे एक मिनट यार, तूने तो 100 रुपया भी लिए, तू तो सच बता, ग्राहक से चीटिंग नहीं करते? ये खा डंडा है, बोल। हाँ खा डंडा ये है। और मैं थप्पड़ मारना तेरे। ओ भाई साहब तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ और तू, ओ चल तू मुझे छोड़ के चल चल। अब आया लाइन पे वो, तो चल ना। एक मिनट, ये जिसको खा डंडा समझ रहे ना, और अपन जिसको बोरी वाली समझ रहे ना, उसको उधर ही ड्रॉप कर, समझा? ठीक है सर। नसीब वाला था जो मुझसे एड्रेस पूछा, सही एड्रेस बताया, नहीं तो चांद पे पहुंच गया होता। ओ तेरी गया, एम्बुलेंस। अबे एम्बुलेंस एम्बुलेंस क्या चिल्ला रहा है बे? ओए लकी आदमी है, तूने एम्बुलेंस को ही ठोका है। हेलो जी, जी जी हाँ जी, मैं अभी आ रहा हूँ। एक्सक्यूज मी सर, मैं गौरी का रिश्तेदार हूँ। गौरी उधर बैठी हुआ। थैंक्स। गौरी क्या हुआ, तुम यहाँ? कल रात समंदर के किनारे अकेली बैठकर आंसू बहा रही थी, पुलिस वालों को लगा मैं आत्महत्या करने की कोशिश कर रही हूँ, इसलिए मुझे पकड़कर यहाँ ले आए। मुझे घर नहीं जाने दे रहे, बोल रहे थे घर वालों का फोन नंबर दो, तो मैंने अमर का नंबर दे दिया। मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया है ना, मुझे माफ कर दो। कब से हो शहर में? क्या सुनना चाहते हो तुम? यह कि जिसके लिए मैं तुम्हें छोड़ गई थी वो मुझे छोड़कर चला गया? 1.5 महीना हो गया उसका इंतजार करते हुए, मुझे घर में अकेला छोड़कर चला गया। मैं पागल हो गई उसका रास्ता देख देख के, लोग पूछते थे कौन था वो, तुम्हारा क्या लगता था आता क्यों नहीं, मेरी जिंदगी में और बचा ही क्या था। आत्महत्या करने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, न जी सकती थी न मर सकती थी, क्या करती बोलो? विवेक भूख लगी है। तुम यहाँ कैसे आई? मैं लेकर आया हूँ। क्यों? तुम्हारी बहन है इसलिए। अरे ये मेरी कोई नहीं है, इसको नहीं तो कम से कम तुम्हें तो शर्म होनी चाहिए। शर्म किस बात की? मंडप से भाग गई थी ये। मेरे मंडप से भाग गई थी? अरे मेरी इज्जत का कचरा कर दिया था इसने। तुम्हारी इज्जत तुम्हारी बहन से बड़ी है क्या? तो फिर मुझे भी बाहर निकाल दो, क्योंकि मैंने भी तो प्रीति के सामने तुम्हारी इज्जत का कचरा कर दिया था। देखो उसे, जिसके लिए वो सब छोड़कर गई थी, आज उसने भी उसे छोड़ दिया है। 4 दिनों से खाना नहीं खाया उसने, देखो उसे। आज उसे तुम्हारी जरूरत है। मुझे माफ कर दो भैया। सत्तू के पराठे बना रहा हूँ, खाओगे? हाय अमर। हाय। प्रिया आई क्या? नहीं। यही मिलने वाली थी। तुमको क्या हुआ? किताबें नहीं बिक रही हैं क्या? गौरी आई है। गौरी? मेरी बहन। वही जिसकी विवेक से शादी होने वाली थी? हाँ। क्या हुआ? वही जिसके लिए भागकर आई थी, वो उसे छोड़कर चला गया। ओह गॉड, अभी कहाँ है? घर पे। घर पे? उसे अकेले छोड़ के आए हो?
और मम्मी पापा को फोन किया। चलो मैं आती हूँ। बच्चे जब पैदा होते हैं तब रोते हैं और बड़े होकर माँ बाप को रुलाते हैं। आप क्यों ये सब बोल रहे हैं? इससे कहो कि चली जाए। आप चुप रहिए जी। इससे कहो कि चली जाए। बाबूजी, आप मेरी बात सुनेंगे? सुन ही तो रहा हूँ। तेरी माँ का रोना सुन रहा हूँ, गांव वालों की बातें सुन रहा हूँ और यहाँ तक कि तेरे जाने के बाद तेरे कमरे की खामोशियां तक सुन रहा हूँ। यही तो समस्या है सबके साथ। सब उसकी नहीं सुनेंगे जिसकी सुननी चाहिए। दुनिया भर की बातें सुनने का समय है आपके पास। आपने इसकी शादी तय की मेरे साथ। शादी नहीं कर रहे थे, मुझे थोप रहे थे इसके ऊपर। आपने कभी पूछा इससे कि ये विवेक से शादी करना चाहती है या नहीं? बस एक बार पूछ लिया होता तो आज ये नौबत ना आती। मैंने नहीं पूछा, पर ये तो बता सकती थी। क्या बताती? कि मैं किसी और से प्यार करती हूँ? उसी वक्त उसे घर से निकाल देते आप। अरे आपने इसे बोलने का मौका ही कब दिया है? जब भी ये स्कूल जाती तो आप कहते सिर नीचे झुकाकर चल लड़की, कहते थे या नहीं? जब अमर सिगरेट पीता था तो आपको नहीं पता था, आपको तब पता चला जब कल्लू पान वाला घर पर उधारी मांगने चला आया। कई बातें बच्चे अपने माँ बाप से नहीं बोल पाते, उसके लिए बाप नहीं दोस्त बनना पड़ता है। आपसी समझदारी बनानी पड़ती है, आपने बनाई। आपके लिए तो ये हमेशा बच्ची थी। जब आपने चश्मा उतार कर देखा, अरे गौरी बड़ी हो गई है, शादी कर दो। किससे? विवेक है ना, ना कोई झंझट ना कोई टंटा। सोचा था या नहीं? देखिए अब उसकी गलती को लेकर दुखी मत होइए, वो वापस आ गई है, खुश रहिए। हर माँ बाप को अपनी बेटी की शादी पर सिर्फ आंसू बहाने के लिए नहीं बल्कि उसके आंसू पोंछने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। मैं गांव वालों को क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या कहूंगा उनसे? अरे फिर वही बात, भाड़ में जाए गांव वाले। किसी के पास इतना समय नहीं कि आपके दुख में आकर अपनी छाती पीटे। ना ही आपका सिर तिरंगा है कि हर आता जाता उसको सलाम ठोके। चलिए अब मुंह मत फुलाइए और अपने तंबाकू वाले दांत दिखाइए। आइए बाबूजी। है? नमस्ते। नहीं नमस्ते तो ठीक है, पर ये जो तुम कर रहे हो ये ठीक नहीं है। क्या? ये जो मेरी जगह, उठो यहाँ से। नाम लिखा है क्या? है, नाम लिखा है, मेरी किताब पड़ी नीचे। हाँ तो वहाँ पर बैठ के भी तो पढ़ सकते हो ना। तो तू वहाँ बैठ के सिगरेट नहीं पी सकता? पर शिट यार, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। समझते क्या है अपने आप को? क्या है, तेरे से तो अच्छा ही काम कर रहा हूँ, इसमें से तो धुआं भी नहीं निकलता। अरे ये ऐसे फैल के क्या बैठ रहे हो, वहाँ सरक के बैठो ना। वो तेरे को मैं बोल रहा हूँ सरक के बैठो उधर। तो क्या नीचे बैठ जाओ, क्या कोनी पे तो बैठा हो। तो बैठ जाओ। कमाल है, तमीज ही नहीं है किसी गरीब बंदे से कैसे बात करते हैं। ये लो, आ जाओ मेरी गोदी में बैठ जाओ, आओ। चलो तुमने पहली बार कहा है ना, थोड़ी करनी है। पूरी शाम बर्बाद कर दी, फैल जा बांकड़े पे, फैल जा बांकड़े पे। एक तो मेरा पूरा बेंच मान लिया, ऊपर से कहता है फैल जा बांकड़े पे। तुम जैसे लोगों के साथ ऐसे ही होना चाहिए। अरे क्या हुआ? अरे हेलो, अरे मर गया क्या? नारियल गिर गया इस पे। अरे ये क्या, नसीब वाला कैसे बने? अरे फिर वही बात, फैल गया ना जमीन पे। चलाओ उठो उठो, वहाँ बाकड़े पे इंटरव्यू लेता हूँ तेरा। अच्छा बच्चे, खाना खाया? नहीं खाओगी? यार मुझे तो बहुत भूख लग रही है, मैं तो खा रहा हूँ। यार क्या पका है? अरे ये क्या चाचा, खाना नहीं बनाया? नीचे आग हो ना तब ऊपर में खाना बनता है। क्यों, गैस खत्म हो गई क्या? वही तो कह रहा हूँ। अरे तो गैस खत्म हो गई तो पड़ोसियों से पूछ रहा था ना। तुझे क्या लगता है मैंने गया? तो क्या कहा उन्होंने? बाहर जाओ, ऐसा कहा उन्होंने? आपने क्या पूछा? अरे क्या पूछना था, मैंने कहा मैं घर में गैस खत्म हो गई है तो आधा दर्जन लोगों के लिए खाना दे दीजिए। अरे आपको दिमाग है या नहीं? अब गैस खत्म हो गई तो गैस सिलेंडर के लिए पूछते हैं या आधा दर्जन लोगों के खाने के लिए? अरे तू कैसी बात करता है यार, घर में अगर लाइट चली जाए तो पहले माचिस ढूंढेंगे या पहले इलेक्ट्रिशियन को बुलाने जाएंगे? अरे बाप रे, तोड़ दिया। मुस्कुरा के देख जरा, मुस्कुरा के देख, हाय मुस्कुरा के देख जरा। मुस्कुराए रात के बाद ही सुबह, मुस्कुराए कांटों में फूल मन चला।
मुश्किलें तो मेहमान है, मुश्किलें तो आसान है, शर्त बस इतनी है उन पे तू मुस्काए। मुस्कुरा के देख जरा। एक तारा खाली कहाँ है आसमां, लाखों हो अरमां, हंसता रहे जो दिल सदा, हंस हंस के यारा, हंस हंस के यारा, गम को जरा तू रुला के देख, मुस्कुरा के देख जरा, मुस्कुरा के देख जरा। होठों पे रोती ये आंखें खूब है, गम ही खुशी का सच पूछो तो महबूब है, दामन खुशी का उसमें तू गम को सजा के देख, मुस्कुरा के देख जरा, मुस्कुरा के देख जरा। हेलो बूढ़ी बाबा, जागे है चंदा और ख्वाबों में खोया जहां, जल के सूरज भी रोशन करे सारा जहां, तू उनके जैसा दिन रात में जगमगा के देख, मुस्कुरा के देख जरा, मुस्कुरा के देख जरा। रोके किस्मत पे तू ऐसे ही ना बैठना, खाई है ठोकर क्यों दिल ने भी ये सोचना, दिल को लगा पर ओ, दुनिया को भी आजमा के देख, मुस्कुरा के देख जरा, मुस्कुरा के देख हाय, मुस्कुरा के देख जरा। मुस्कुराए रात के बाद ही सुबह, मुस्कुराए कांटों में फूल मन चला, मुश्किलें तो मेहमान है, मुश्किलें तो आसान है, शर्त बस इतनी है उन पे तू मुस्काए। मुस्कुरा के देख जरा, मुस्कुरा के देख हाय, मुस्कुरा के देख जरा, जरा। विवेक। ओ हाय। हाय। तुम्हें गौरी पर बिल्कुल गुस्सा नहीं आता? गुस्सा? गुस्सा क्यों आएगा? उसने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। और मैं हर किसी को पसंद आऊं ये जरूरी तो नहीं ना। उसने मुझे रिजेक्ट किया लेकिन तुमने भी तो सिलेक्ट नहीं किया। तुम्हारी लाइफ है, तुम्हारा अधिकार है, तुम्हारा प्रॉब्लम है, मेरा नहीं। बाय। चिरंजीवी लक्ष्मी सौभाग्यवती और डिनर 8 बजे। भैया डिनर 8 बजे तो दारू कितने बजे? दारू किधर है? डिनर से पहले या डिनर के बाद? तुझे गाड़ने के बाद। क्या भैया, इस शुभ मौके पर शुभ पत्रिका का सिलेक्शन हो रहा है और आप दारू के लिए तड़प रहे हो? भाभी जी, आपको किसने कहा कि दारू अशुभ है? अरे आदमी को नई नौकरी मिलती है तब वो दारू पीता है, बच्चे का जन्म होता है तब वो दारू पीता है, 31st नाइट को दारू, 1st जनवरी को दारू, कोई भी शुभ काम करने से पहले दारू, उसके बाद भी दारू, तो दारू अशुभ कैसे हुआ? आज सुबह से दारू नहीं पी तूने? अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। सुभद्रा से 1000 रुपए दे और सड़क पे धकेल। थैंक यू भैया, थैंक यू। हाथ हटा, हाथ हटा। वैसे दामाद जी कहाँ है भैया? क्यों, उनके साथ भी बैठ के दारू पीनी है तुझे? वो अगर पीते हैं तो मैं कंपनी देने के लिए तैयार हूँ। बकवास मत कर, बकवास मत कर। आइए आइए सर जी, क्या लेंगे, ठंडा या गरम? ये होटल है क्या? जुल्ली दिखाइए। आइए आइए, ये वाली दिखाइए। ये लीजिए, ये वाली ज्यादा अच्छी है, मुझे ये पसंद है। जुल्ली हमेशा दूसरों की पसंद से लेनी चाहिए, देखना उन्हें होता है। ये दे दीजिए और मेरे लिए अंगूठी दिखाइए। ये अच्छी है।
बहुत गंदी है। ये अंगूठी पूरी उम्र मुझे पहननी है, मैं तुम्हारी पसंद से पहनूं या अपने कंफर्ट लेवल से? ये भी दे दीजिए। जी सर। मैं बाहर वेट करती हूँ। बिल बनाइए। सर जी बुरा ना माने तो एक सवाल पूछूं, ये कपड़े और जेवर अपने पसंद के पहनने चाहिए दूसरों के? ये सवाल तो सिर्फ मुझसे करे कि सबसे करता है? तेरी खुद की कोई राय नहीं है क्या? तेरे मन में जो है वो कर। बिल दे। जी सर। मैं सुनील को फंसा देता हूँ। आना बोला कि सुनील को बड़ा चर्चा था। ये क्यों? हाय गौरी, कैसी हैं? अच्छी हूँ। यहाँ मेरी शादी हो रही है ना, इसलिए कुछ शॉपिंग के लिए आई थी। कब है शादी? बहुत जल्दी। ये है मेरे मंगेतर प्रकाश, प्रकाश अमर सिस्टर। चले। सी यू। चल। कैसी हो गौरी? नहीं पूछूंगा, जाहिर है कि गुस्से में हो। मुझे माफ कर दो, मैंने गलती की है। ऐसा भी नहीं कहूंगा क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैंने गलती की है। कौन नहीं करता है? तुमने विवेक को छोड़ो और तुम मेरे पास आ गई क्योंकि उसके पास कुछ नहीं था और मेरे पास नौकरी थी। इट्स वेरी सिंपल गौरी। मैंने तुम्हें छोड़ा क्योंकि तुम्हारे फादर एक दुकानदार है और एक बड़े एक करोड़पति दुकानदार की बेटी के पास चला गया। अब मैंने भी तो वही किया जो तुमने किया। अगर तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है तो तुमने भी तो किसी और को धोखा दिया है, राइट? मगर मैं तुमसे प्यार करती थी। किसने कहा कि मैं प्रीति से प्यार नहीं करता हूँ? देखो प्यार एक कन्वीनियंस है, कोई भी किसी से भी कर सकता है, लेकिन शादी एक जिम्मेदारी। और फिर मैंने तुम्हें कोई ऐसी हालत में तो नहीं छोड़ा कि कोई और तुमसे शादी ना करे, ना तो तुम्हें प्रेग्नेंट करके भाग गया। कम ऑन गौरी, लेट्स बी क्लियर। देखो अब भी मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठा सकता हूँ। मैं ये शादी सिर्फ पैसों के लिए कर रहा हूँ। अगर तुम चाहो तो अब भी तुम्हारी जिम्मेदारी में उठाने को। रखेल बनाओगी तुम मुझे अपनी? प्यार करने के लिए तुम्हें औरत चाहिए, शादी करने के लिए पैसा? किसी औरत से ये पूछना कि वो तुमसे प्यार करती है या नहीं, ये मत पूछना कि वो तुम्हारी रखेल बनेगी या नहीं। और जहां तक मेरा सवाल है तो तुम मेरे लिए कब के मर चुके हो। निकल जाओ यहां से, जस्ट गेट आउट। बाय। थैंक्स गौरी, मैं तो डर गया था कि कहीं तुम इसको देखकर इसके पैरों पे ना गिर जाओ। डरो मत, मैं मारूंगा नहीं। मारोगे नहीं, लेकिन अगर इस वजह से तुमने मेरी शादी तोड़ने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम्हारी तरह घटिया आदमी नहीं हूं, प्रीति से भी कुछ नहीं कहूंगा। और अगर बोला ना? देख धमकी मत दे, धमकी दी ना तो कच्चा उतार कर सड़क पर नंगा दौड़ाऊंगा। तेरी शादी तोड़ने में मुझे उतना ही वक्त लगेगा जितना दाल में तड़का लगाने में लगता है। अब चल फुट, गेट आउट, और दोबारा अपनी घटिया शक्ल लेकर यहां मत आना। प्यार में धोखा देना गलत है, धोखा खाना गलत नहीं। आंसू बहुत कीमती चीज है, इन्हें ऐसे बेकार लोगों पर जाया मत करो। गोभी के पराठे बना रहा हूं, खाओगी? 5 मिनट। ए इधर सिस्टर है। अच्छा सिस्टर है, कमाल है, आपकी शक्ल तो मिलती नहीं। ए, वैसे आप कौन है? डॉक्टर नसीब। ओ डॉक्टर नसीब, सेम टू यू, मैं खड़कर बदनसीब। क्या प्रॉब्लम है? आपको मेरे हुलिये से नहीं पता चल रहा कि क्या प्रॉब्लम है? बचपन में मेरी माँ मर गई, मेरे दो ही बाप थे, दोनों ही मर गए। मतलब तुम खानदान में अकेले बचे हो? अब तेरे पास आ गया हूँ, तू मार डालेगा। मेरी नौकरी चली गई, मेरी घूमने वाली कुर्सी चली गई, मैं बर्बाद हो गया, मेरी पूरी दौलत चली गई, मेरा ट्रीटमेंट कर दो। तुम मानते हो कि तुम बदनसीब हो? मैं क्या, मेरा पूरा मोहल्ला मानता है कि मैं बदनसीब हूँ, नंबर वन बदनसीब। मेरा ट्रीटमेंट कर दो डॉक्टर साहब। एक मिनट, नर्स लेके जाओ इन्हें। अच्छा ये लेके जाएंगी, मतलब ये ट्रीटमेंट के साथ साथ फ्री गिफ्ट है? ए, मेरा गिफ्ट है, मैं तनख्वाह देता हूँ, चुपचाप लेटो। चलो ले जाओ जी, मेरा हाथ पकड़ लो, इस बंदे का कोई यकीन नहीं मेरे साथ साथ रहना, मुझे डर लगता है। आ जाओ आप यहीं रहना, इस बंदे का कोई पता नहीं क्या कर दे। इधर देखो उंगलियों को या हाथ को? अबे हाथ में टंगी हुई उंगलियों को। ओके तू सो रहा है? मैं तो जाग रहा हूँ। अबे सो। ओके सो रहा है, तू सो रहा है, तू सो रहा है, तुझे पास्ट में ले जाऊंगा।
बस में या ट्रेन में? अबे साइकिल पे। ओके। हट। चैन से सो रहा है, सुख से सो रहा है, खुशी से सो रहा है, डर के सो रहा है। तुझे बचपन में ले जाऊंगा, तुझे 2 साल का बना दूंगा। अबे 5 मंत्र मारूंगा, मैं तुझे ठीक कर दूंगा और तुम्हारी तरकी 7वीं पीढ़ी तक बच्चन परिवार की तरह हैं। हाँ, सो जा। जल्दी जल्दी लॉक लगा दो अंकल। इकड़म बिकड़म एक, टिंग तड़ा तुड़ दो, तिड़िक मिड़िक तीन, इड़िक पिड़िक चार, टिंग भड़ाक 5। उड़ जा। क्या हुआ था मेरे को डॉक्टर साहब? मैं कहाँ हूँ, क्या हुआ था मेरे को? तेरे को कुछ नहीं हुआ, तूने मुझे घुमा दिया था। कमाल है डॉक्टर साहब, मेरे अंदर इतनी एनर्जी कैसे आ गई है? डॉक्टर नसीब वाला के होते हुए सबके नसीब बदल जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस खुशी के मौके पर मैं आपको पार्टी देना चाहता हूँ। खाना खाने चलें किसी रेस्टोरेंट में? श्योर। वैसे खा लेते ना आप? पता नहीं नसीब वाला के नसीब का आज क्या होगा। चलो चलो जल्दी चलो। हेलो वेटर। गुड आफ्टरनून सर। हाँ गुड आफ्टरनून सर, व्हाट डू यू वांट सर? ए पहले तो तुम फिंगर बॉल लेके आओ। सर फिंगर बॉल तो खाने के बाद सर हाथ धोने के लिए मंगवाते हैं। नहीं सर। देखो ये हमारे डॉक्टर साहब हैं, ये ऑपरेशन से पहले भी हाथ धोते हैं और बाद में भी धोते हैं। डॉक्टर नसीब जी, आप उल्लू की तरह देखते रहो, गेट आउट। ओके सर। चलो। व्हाट द हेल, टमाटर सूप की जगह फिंगर लेके आ गया। हाँ सर, हाँ गलती हो गई, फिंगर बॉल समझ कर हाथ डाल दिया तो चमड़ी निकल जाएगी। क्या हुआ डॉक्टर साहब? कुछ नहीं कुछ नहीं, बर्फ में घुमा रहा हूँ ना, बड़ा चैन मिल रहा है, बड़ा सुकून मिल रहा है। सॉरी सर। डॉक्टर साहब, मुझे लगता है जो रोज मेरे साथ होता था ना, अब वो आपके साथ हुआ करेगा। That's great, God is great. सर आपकी फीस कितनी है? कुछ नहीं चाहिए मुझे, निकलो यहाँ से, जो दे दिया ठीक है। ओके, नमस्ते, बाय। ये साला रुक गया। एक बात बता, ये प्रीति से प्यार करने का ख्याल तेरे मन में मेरी वजह से भी आया होगा ना? बेटा, प्यार और दोस्ती के बीच में एक बहुत पतली सी लकीर होती है। एक बात और याद रखना, जहां जीत होती है वहां हार भी होती है, समझे? ये लो बेटा। ओ बिस्किट भी लो। जी। हम भी खा लें। गुड मॉर्निंग। अरे गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाओ नाइस, ये बहुत अच्छा है। ये हमारी बेटी ने भेजा है। रियली? हां, अमेरिका से उसने फ्लावर शॉप पर ऑर्डर किया और फ्लावर शॉप से विवेक यहाँ पर लेकर आ गया। हाँ बहुत अच्छा है। लेकिन तुम कैसी हो? फिलहाल तो ऐसी हूँ, एक हफ्ते बाद दुल्हन जैसी लगूंगी। अरे कांग्रेचुलेशंस। पहला कार्ड आपको दे रही हूँ, शादी में नहीं आए ना तो याद रखना। लो, हमारी शामत आई है जो हम नहीं आएंगे। हम सबसे पहले आएंगे और सबसे बाद में जाएंगे, समझे? ओके ये लीजिए। अच्छा सर, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा, बाय बाय, सी यू। नमस्ते आंटी। ओके बेटा, आते जाते रहना। जी बिल्कुल। ओके अंकल, मैं भी चलती हूँ। अरे तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? बहुत लोगों को कार्ड देने जाना है। ओके अच्छा अच्छा ठीक है। और सुनो, हमारे लायक को काम हो तो जरूर बता देना। जरूर। ओके आंटी बेटा, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस। थैंक यू, टेक केयर। ओके अंकल। विवेक, 2 साल से उनकी बेटी ने एक ग्रीटिंग कार्ड तक नहीं भेजा और आज अचानक फूल आ गए। वो बुके तुम ही लाए थे ना? हाँ। फूल कोई भी दे, एक दिन में मुरझा जाते हैं, मगर उनकी बेटी उन्हें अभी भी याद करती है, ये बात उनके साथ जिंदगी भर रहेगी, इसलिए लाया था। एक मिनट। ये लो। ये क्या है? वेडिंग कार्ड। किस लिए? शादी में आने के लिए। मैं नहीं आ सकता। क्यों? प्रीति, बहुत से लोगों की तरह मैं भी मन में रोता हूँ जब ये देखता हूँ कि जिसे मैंने अपना समझा था उसने किसी और को अपना बना लिया है। मगर अब मैं और रोना नहीं चाहता। You're very intelligent, Vivek. 4 लोगों को मेरे सामने मार के कहते हो, किसी को सताने पे मारा, फ्रेंड की तरह बात नहीं कर सकते, शादी में नहीं आ सकते। तुम वाकई बहुत समझदार हो। जो लड़की से प्यार करते हैं वो उसे फूल देते हैं, लेकिन तुम्हें बहुत अच्छी तरह से पता है कि फूल कहाँ देने हैं। तो तुमने क्या सोचा, ये सब मैंने तुम्हारे लिए किया? नहीं किया। देख, मुझे जो यहाँ लगता है वो कहता हूँ, जो यहाँ लगता है वो करता हूँ। और हाँ, इतना बेवकूफ भी नहीं हूँ कि ये सोच लूँ कि 4 लड़कों को मारने से कोई भी लड़की मुझसे प्यार करने लगेगी। अगर लड़कियों को वैसे लोग पसंद आते तो इस दुनिया में ब्रूसली और माइक टायसन के अलावा और किसी की शादी नहीं हो पाती।
मैं ये नहीं पूछ रही हूँ कि लड़कियाँ प्यार क्यों करती हैं। देखो, मैंने सिर्फ इतना कहा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, लेकिन ये कभी नहीं कहा कि तुम भी मुझसे प्यार करो। और वैसे भी तुमसे प्यार के बारे में बात करना बेकार है, क्योंकि तुम जानती ही नहीं कि प्यार क्या है। अगर जानती तो शादी से पहले प्यार नहीं करूंगी, शादी के बाद सोचूंगी, ऐसी फिजूल की बातें नहीं करती। शादी का मतलब सिर्फ दो वरमाला, तीन गांठ और सात कदम नहीं, ये दो इंसानों के जिंदगी भर का सफर है। देखो, तुम अपने होने वाले पति से प्यार करो या ना करो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे इतना तो पहचानो कि तुम उसे बर्दाश्त कर सकती हो या नहीं। नहीं तो बाद में रोने के लिए आंसू रहेंगे, लेकिन उन्हें पोंछने वाले हाथ नहीं। और एक बात याद रखना, पके हुए खाने का स्वाद खाने तक मालूम नहीं पड़ता, किताब बगैर पढ़े जानी नहीं जाती, और प्यार क्या है ये प्यार करने वालों को प्यार खोने तक मालूम नहीं पड़ता। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। एक बात बताओ माँ, औरत किस तरह के पति के साथ खुश रहती है? ये क्यों पूछ रही हो तुम? बताओ ना माँ, औरत किस तरह के पति के साथ खुश रहती है? शयनिषु रंभा कार्येषु मंत्री। हर आदमी ने ये कहा है, औरत ऐसी होनी चाहिए, औरत वैसी होनी चाहिए, मगर औरत से ये कभी नहीं पूछा कि आदमी कैसे होना चाहिए, क्योंकि पुराण तो पुरुषों ने ही लिखे है ना। एक बात है प्रीति, ये बात शायद तुमने कई बार सुनी होगी, लेकिन इससे बड़ी बात मुझे नहीं पता। शादी तुम्हें उसी से करनी चाहिए जो तुमसे प्यार करता हो, ना कि उससे जिसे तुम प्यार करती हो। और प्यार क्या है ये प्यार करने वालों को प्यार खोने तक मालूम नहीं पड़ता। तुम्हें कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं। हेलो, विवेक है? विवेक, मैं इसी भरोसे गौरी को ले जा रहा हूं कि किसी आदमी की नौकरी नहीं होने से या किसी औरत की शादी नहीं होने से जिंदगी रुक नहीं जाती। जाती हूं जी। विवेक, तो एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। चलो चलो, ट्रेन छूट जाएगी, ख्याल रखना। मुझे माफ, थैंक यू। ए, घर की लड़कियां घर के लड़कों को रुलाती है, तो खुद मत रोना। और मेरे तो क्या, किसी और के सहारे पर भी मत जीना, खुद के पैरों पे खड़ी रहना। चलो, खुश रहो, जीते रहो। विवेक। बोलो चाचा। बेचारी गौरी यार। क्यों बेचारी क्यों? सिर्फ इसलिए कि जिसे प्यार करती थी वो छोड़कर चला गया? नहीं मतलब, तो मतलब तू भी तो उससे शादी कर सकता था। शादी नहीं करता, दया करता। अब वो छोड़कर चला गया इसका मतलब ये तो नहीं कि ऑटोमेटिकली मुझसे प्यार करेगी। और आप लोगों को तो खुश होना चाहिए, एक घटिया आदमी निकल गया उसकी जिंदगी से, अब उसे अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीने दो। सही बात, सही बात। प्रीति, कल रिसेप्शन में तुम ये साड़ी पहनना, ठीक है? इसमें तुम बहुत सुंदर लगोगी, इनके बड़े बड़े दोस्त आएंगे, है ना? ठीक है। अरे वाह, साड़ियां फाइनल हो रही हैं। हाँ। अच्छा दीदी, कल नाश्ते में क्या बनेगा? 100 लोगों का नाश्ता है। अच्छा रुको, मैं आती हूँ। प्रीति तुम सो जाओ, नहीं तो कल बहुत थक जाओगी। ठीक है मम्मा, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कल से तुम प्रीति नहीं, मिसेस प्रकाश राज, नो मिसेस विवेक। रुठ रुठ साहब मेरे, गुस्से पे है कुर्बान हम तेरे। रुठ रुठ साहब मेरे, गुस्से पे है कुर्बान हम तेरे। सुन ले रहबर मेरे, तुमने ही इश्क से मिलवाया हम सबक प्यार का पढ़वाया, और आंख हमी से हो फेरे। पढ़वाया और आंख हमी से हो फेरे।
पिक्चर्स का करूं। इतने सारे कार्ड्स क्यों बाकी हैं? इन्हें भी डिलीवर करवाइए प्लीज। ओके सर, फटाफट खत्म कर देता हूँ। और वो सारी शराब की बोतलें मेरी अलमारी में बंद करो, और हो सके तो इसे बाथरूम में। चलिए भैया। अरे भूल कैसे गया। पापा। बोलो प्रीति। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। कहो। मैं प्रकाश से शादी नहीं करना चाहती पापा, आप प्लीज ये शादी कैंसिल कर दीजिए। क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? उसने तुमसे कुछ कहा? मैं उससे शादी नहीं करना चाहती पापा, बस। मजाक बंद करो प्लीज। मजाक नहीं पापा, आई डोंट लाइक प्रकाश, वो बहुत सेल्फिश है, टोटल शो ऑफ। मुझे पता है ये सब सुन के आपको बहुत बुरा लग रहा होगा, पर मैं प्रकाश के साथ खुश नहीं रहूंगी पापा। मेरा ऐसा कहना गलत है क्या? ऐसा कहना गलत नहीं है, लेकिन अब गलत है। ये बात तुम शादी के कार्ड के डिजाइन सिलेक्ट करने से पहले कह सकती थी, उन पर एड्रेस लिखने से पहले कह सकती थी, लेकिन उन्हें पोस्ट करने के बाद नहीं कह सकती। और ये समस्या तुम्हारी नहीं है, हमारी पूरी फैमिली की समस्या है। कल 5000 आदमी तुम्हें आशीर्वाद देने आ रहे हैं। अगर उन्हें ये बात पता चली तो चावल तुम्हारे सर पे नहीं मेरे मुंह पे फेंकेंगे। तूफान होने की चेतावनी भी 24 घंटे पहले दी जाती है, तुमने तो उतना भी वक्त नहीं दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता पापा। आई कांट स्टॉप दिस, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। जाओ जाके सो जाओ। कैन वी टॉक? तुम्हारे डैडी आए थे मुझसे बात करने के लिए, ऐसे क्या देख रही हो? देखो, शादी पक्की होने के बाद बेटी से ज्यादा इंपॉर्टेंट दामाद होता है। वो मुझसे पूछने आए थे कि कहीं हमारा झगड़ा तो नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो शादी के बाद हो जाएगा, इसलिए मैं शादी रोकना चाहती हूँ। क्यों? Because you're selfish, प्रकाश। तुम सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, and more than that, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो किसे करती हो? विवेक से। ओह, होटल वाला। Shut up, प्रकाश। It's crazy. हाँ। क्या है क्या उसके पास? अरे खुद का घर तो है नहीं, तनख्वाह कितनी है? वो ईमानदार है। ईमानदार? आज भी लोग ये वर्ड यूज करते हैं। हंसो मत, उसमें और भी खूबियां हैं और तुम में एक भी नहीं। और वैसे भी मैं उससे प्यार करती हूँ, तुमसे नहीं। गलती से कभी कभी सच बोलने वाले तुम जैसे लोगों को, हमेशा सच बोलने वाले विवेक जैसे लोग कभी पसंद नहीं आते। ओ, तो अब मैं समझा, इसलिए उसने तुम्हारे हेलो का जवाब नहीं दिया। बेचारा, he must be very upset ना? उसको जल के बिल्कुल राख हो गया होगा। उसका बस चले तो मरवा दे मुझे। यही फर्क है उसमें और तुम में, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। He respects me, my decisions. Wow, तो तुम impulsive होके अपना ये decision ले रही हो, शायद इसलिए क्योंकि मैंने तुम्हारे पसंद की अंगूठी नहीं खरीदी। देखो प्रीति, प्यार में ये सब होता है, लोग मिलते हैं बिछड़ते हैं, इट्स नो बिग डील। और तुम्हें भी एक बात बताऊं कि मैं भी तुमसे प्यार नहीं करता, बट बिकॉज सोसाइटी वॉन्ट्स टू सी अस टुगेदर, वी गेटिंग मैरिड। तुम एक काम करो, मेरी बात मानो, तुम जितना रोना चाहती हो उसे याद कर करके उतना रो, एंड देन जस्ट फॉरगेट अबाउट हिम। क्योंकि अगर तुम शादी के बाद रोगी तो लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें मारता हूं, मैं तुम्हें तंग करता हूं, गलत समझेंगे। ओके, हैव अ नाइस डे। दरवाजा बंद कर दूं? जस्ट लीव। स्वीटी। चाचा। तुम्हें पता है जिंदगी में मैंने सिर्फ दो ही काम किए हैं, बहुत शराब पी है और जिंदगी को बर्बाद किया है। लेकिन नहीं, आज तुम्हें अपनी जिंदगी को बर्बाद करते हुए नहीं देख सकता। ये बहुत ही घटिया आदमी है और मैं नहीं चाहता हूं कि तुम उससे शादी करो। चाचा। विवेक। आइए सर। आप विवेक? जी मैं, हम पहले मिल चुके हैं। कुछ बातों को भूल जाना ही पसंद करता हूं। सुना तुम खाना बहुत अच्छा बनाते हो, मेरी बेटी ऐसा बता रही थी। अगर तुमसे वक्त पर मुलाकात होती तो अपनी बेटी की शादी खाना तुम ही से बनवाते। खाना तो नहीं बनवा रहा हूं लेकिन तुम्हारी फीस पूरी दे रहा हूं। ये चेक, इस पर जितना चाहे पैसा भर लो और अपने किसी लेवल की लड़की से शादी कर लो। हमारी बेटी की शादी में खाना बनाने वाले रसोईया की औकात है तुम्हारी? उसके साथ
मंडप में बैठे की नहीं। सर आप ये सब क्या कह रहे हैं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखो खाने में नमक ज्यादा होना तो परवाह नहीं, लेकिन लाइफ में गलती ज्यादा होना तो बहुत मुश्किल होती है। मेरी बेटी की शादी में किसी ने भी गड़बड़ की ना तो मैं उसे शमशान पहुंचाए बगैर नहीं मानूंगा, माइंड इट। माधुरी मुहूर्त का समय निकला जा रहा है, प्रीति को जरा जल्दी तैयार करो। प्रीति बिल्कुल तैयार है। अरे तो उसे भेजो जल्दी। हाँ अभी भेजती हूँ। जाओ जाओ। आइए आइए आइए। आती हूँ मैं अभी आती हूँ। अरे बेटा विवेक क्या कर रहा है, मैं कर देता। अरे चाचा कपड़े तो मैं भी पहनता हूँ, गंदे भी करता हूँ, लाओ। अरे ला 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 मेरे दो मिनट का काम है। जाओ जाओ नाश्ता बनाओ, शॉप में जाने के लिए देर हो रही है। नाश्ता बैंगन ऑमलेट बनाता हूँ, चलेगा? बैंगन ऑमलेट? हाँ अच्छा चलो चलो खा लेंगे। ओके अभी बना कर। मैं आ गई हूँ, शादी के मंडप से भाग कर आई हूँ, प्रकाश को छोड़ कर आई हूँ। तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या कह रही हूँ? सुना मैंने, भाग कर आई हो शादी के मंडप से प्रकाश को छोड़कर, क्या करूं? एक लड़की शादी के मंडप से क्यों भागती है विवेक? मुझे क्या पता, मैं नहीं भागा। मैं तुम्हारे लिए भाग कर आई हूं। तो कहां ले जाऊं, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, किधर? रजिस्ट्रार ऑफिस। ओ गॉड कैसे समझाऊं तुम्हें? सीधा बोलो समझ जाऊंगा। आई लव यू विवेक, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इससे ज्यादा सीधा बोलना मुझे नहीं आता। तुम जिस बात में आकर बात कर रही हो, क्या क्या है मेरे पास? ना तो मैं पैसे वाला हूँ और ना ही तुमने अपनी शादी में मुझे केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट दिया है, कोई काम नहीं है मेरे पास। क्या करोगी मेरे साथ रहकर? प्यार करूंगी। मैंने सोच समझ कर डिसाइड किया है। तुमने मुझे इतना कुछ कहा, ताने दिए, मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने बहुत कोशिश की कि मैं तुम्हें भूल जाऊं, मुझसे नहीं हुआ। तुम सही कहते थे, मैं घूमती प्रकाश के साथ थी पर ढूंढती तुम्हें थी। मैं जितना खुश तुम्हारे साथ रहती हूँ उतना खुश किसी के साथ नहीं रह सकती। आई रियली लव यू, कहो तो सबके सामने कहने को तैयार हूँ। रुकिए अंकल, क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है? वो प्रीति चली गई, इतना ही ना, आप फिकर मत कीजिए, वो डेफिनेटली विवेक के घर गई होगी। आप एक काम कीजिए, आप इमीडिएटली कुछ लोगों को बस स्टैंड भेजिए और कुछ लोगों को रेलवे स्टेशन, अगर वो दिखे तो रोकने के लिए कहना, और आप विवेक के घर जाइए। अंकल जाइए, दुल्हन के आने में थोड़ी देर है जी, तब तक आप बाकी के मंत्र पढ़िए। जितने मंत्र आते थे उतना हम पढ़ चुके, लेकिन अब हम बिना दुल्हन के कुछ नहीं कर सकते। ठीक है आप हनुमान चालीसा पढ़िए जी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। धीरे पढ़िए। ठीक है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधाम, अंजनी पवन सुत नाम महाबली। जाओ पाठ पे बैठ जाओ,
जाओ, तुमसे जरा दो मिनट बात करनी है, जरा वहां चलोगे? भैया मैंने शराब नहीं पी, लेकिन ये मैं क्या देख रहा हूँ, प्रीति यहाँ पे है, दामाजी नहीं है। पहले दामाजी यहाँ पे थे और प्रीति नहीं थी, अब प्रीति यहाँ पे है और दामाजी नहीं है। प्रीति किधर गई थी? विवेक तू जा। फिर विवेक तू जाके बैठ। वो नहीं जाएगा, बस। अंकल प्लीज आप चालू रखिए, जा। अरे अरे कमाल है, बैठ 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 बैठ। भैया मोर जैसे लग रहे हो, मोर। ये लो आप डालो, ये डालो डालो डालो, आपकी बेटी की शादी है। आप प्रीति शर्मा रही? नहीं। डर लग रहा है? नो। अरे तो फिर कैसी दुल्हन हो यार? अरे आज की रात दुल्हन पहले शर्माती है, फिर डर जाती है, फिर पति पर गिर जाती है। उस कमरे में तुमने प्रकाश से ऐसा क्या कहा कि वो मान गया? कौन प्रकाश? ओ तुम्हारा एक्स? शराब विवेक। अरे यार सुहाग रात के कमरे में आने के बाद उस कमरे में क्या हुआ ये नहीं पूछना चाहिए। क्यों? इस कमरे में क्या करना है ये पूछो, करके बताऊंगा। बताते हो कि नहीं? सस्पेंस। बताओ ना। अरे क्या करोगी जानकर? देखो लाइब्रेरी और सुहागरात के कमरे में बातें नहीं करनी चाहिए, महापाप। मैंने पापा से कहा मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वो नहीं माने। प्रकाश से कहा I hate him और वो हंस के चला गया। तुमने ऐसा क्या किया? अरे यार तुम्हारे पापा को मैंने नहीं मनाया, प्रकाश ने मनाया, क्योंकि वो उसी के मानते। और वो कैसे माना? अरे ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं उसे अंदर ले गया। दरवाजा बंद कर ले। मारेगा क्या? मारो, लेकिन मुंह पे मत मारना, वरना बाहर जाके तू पिटेगा। मारना होता तो बात करने के लिए नहीं बुलाता। क्या बात? ये शादी तू पैसे के लिए कर रहा है? तुझसे कुछ छुपा है? कितना दहेज मिलेगा? पूछा नहीं। ये ले पूरी जायदाद लिख ले और प्रीति को छोड़ दे। जायदाद तो प्रीति के साथ वैसे ही मिल रही है। देख गौरी मेरे साथ आई है, बाहर खड़ी है, अगर अंदर बुला लिया तो 10 पैसे नहीं मिलेंगे। चेक असली है? सूंघ कर देख ले। पैसे की खुशबू ही अलग है। डन डन। पर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि गौरी को धोखा देने वाला प्रकाश ही था? वो एक बेकार आदमी है, ये जानने के बाद तुम मेरे पास आई तो क्या मजा। तुम्हारी नजरों में वो एक अच्छा आदमी होते हुए भी तुमने कहा कि तुम मुझसे प्यार करती हो, इसलिए इस प्रीति को अपना लो। पर तुमने प्रकाश को करोड़ रुपए क्यों दिए? वो इसलिए कि वो आगे जाकर गौरी जैसी और लड़कियों को धोखा न दे, और वैसे भी वो जायदाद मेरी है क्या? तुम्हारे पिताजी ने मुझे खरीदने के लिए एक चेक दिया, बस उस चेक से मैंने उसे खरीद लिया। वाह मेरा पति बहुत समझदार है। हाँ और समझदार लोग बातों में वक्त जाया नहीं करते। अगर मुझे छूना है तो एक प्रॉमिस करो। क्या? मुझे जो यहाँ लगता है वो कहता हूँ और जो यहाँ लगता है वो करता हूँ, ये नहीं कहोगे? अच्छा बाबा आज के लिए बदलते। तुम्हें जो यहाँ लगे वो कहता हूँ, तुम्हें जो यहाँ लगे वो करता हूँ। ओके अब शुरू करें। ये पैसा, ये पैसा, ओ पैसा, ये पैसा। प्रकाश अंकल तुम वाकई बड़े आदमी हो। क्यों अंकल ऐसा क्या कर दिया मैंने? अरे तुमने अपनी जगह उस दोखोड़ी की लड़की को दे दी, प्रीति ने मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन तुम मेरे साथ रहे। क्या करें अंकल अब, that's the way life crumbles। अच्छा ये बताओ कमरे में क्या हुआ था? अंकल उसे चूरा निकाल लिया था। तुमने उसे झापड़ क्यों नहीं मारा? झापड़ मारा इसलिए तो उसे चूरा नीचे रखा और अंकल मेरे पैरों में गिर गया। वो रोने लग गया, गिड़गिड़ाने लग गया। उसे कहा कि अगर प्रीति से मेरी शादी नहीं हुई तो मैं आत्महत्या कर लूंगा। मुझे बहुत दया आई अंकल, और आखिर प्यार में बलिदानी तो सबसे बड़ी चीज होती है। बिल्कुल, और अल्टीमेटली प्रीति की खुशी तो चाहिए हम सबको। तुम वाकई बड़े आदमी हो। लेकिन अंकल प्रीति की बड़ी याद आती। मुझे भी, लेकिन तुम चिंता मत करो, वो विवेक एकदम फ्रॉड आदमी है। मैंने उसे एक ब्लैंक चेक दिया था, सोचा था खैर, लेकिन वो चेक मैंने कैंसिल कर दिया। क्या? हाँ
ऐसा क्यों किया आपने अंकल? अरे कमाल है, पैसे भी दूं और बेटी भी दूं। क्या हुआ? खुशी के आंसू आ गए थे। तो वाकई बड़े आदमी। शाबाश। मुस्कुराके देख, जरा मुस्कुराके देख, हाय मुस्कुराके देख। वैसे भी खेल खुद बहुत पसंद है। चल। सिर्फ 1000 रुपए दीजिए फिर कितनी देर पहले फोन इसका मन 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 मुस्कुरा के दे मेजर रमक खत्म भूल गया अपना नाम एक साल में इन्होंने कंपनी को फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी सॉरी सॉरी सर MBA हंस हंस के यारा हमको जरा तू रुला के देख मुस्कुरा के देख जरा मुस्कुरा के देख जरा होठों पे रोती ये आंखें खूब है गम ही खुशी का सच पूछो तो महबूब है दामन खुशी का दामन खुशी का उसमें तू हमको सजा के देख मुस्कुरा के देख जरा मुस्कुरा के देख जरा जरा